हेलो स्टूडेंट, तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों सेक्शन ही मैं पढ़ाता हूँ। और मैं करीब करीब जो है पिछले 24 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज इस वेबिनार में मैं आपके साथ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ बेसिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि जो हमारे पास में पास्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस चैप्टर का क्या वेटेज रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जस्ट मैंने 2002 से लेकर के 2020 तक का एक एनालिसिस किया है। तो हर साल में आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चंस मिला है, एक से लेकर के चार तक क्वेश्चंस भी यहाँ पे आए हैं। स्टार्टिंग में 2002 में आप देखेंगे 75 क्वेश्चंस आते थे एक पेपर में। तो इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से मिला करके। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह जो है कम होते गए हैं। आजकल आप जानते हो कि जो एनटीए है वो जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उन पेपर्स में 2020 से अगर आप देखेंगे जनवरी में हुआ है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कम हो गए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 ही हो गए। तो ये रिसेंटली अभी आप देखेंगे जनवरी 2020 में जो जेई मेंस के लिए जो फेज 1 एग्जाम हो चुका है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर आप देखेंगे तो आप दो 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 क्वेश्चंस आप हर शिफ्ट के अंदर पाएंगे। तो चैप्टर बड़ा है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। आप किस सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आता जरूर है। तो देखिए, अगर हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर है तो इसका मतलब क्या है। वैसे तो ये सब चीजें आपने थर्मोडाइनमिक्स में वगैरह पढ़ी है। तो जब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि नो चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। नो चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम विथ टाइम। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसका प्रेशर चेंज, उस सिस्टम के अंदर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पैरामीटर हमने ले लिया। तो पहला जो है इसको हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा जो है इसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी हमने सिस्टम की ली है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, प्रेशर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में है तो इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर किसी सिस्टम का कंपोजिशन अगर टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम की, नो चेंज इन कंपोजिशन, तो वो हमारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम है ये एक टाइप का स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, या फिर ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये डिवीजन इस बेसिस पर है कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड होने के बाद में जो सिस्टम है क्या वो अभी भी कंटिन्यूअसली वर्क करेगा या वर्क करना बंद कर देगा। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड होने के बाद में सिस्टम अगर वर्क करना बंद कर देता है तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे पार्क में एक स्विंग है, उस स्विंग को अगर हम थोड़ा सा पुल करके छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होने लगता है, मोशन होने लगता है। कुछ समय बाद में वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सिस्टम में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है स्विंग पे, वो बैलेंस हो गया और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। अब ये वर्क करना बंद कर दिया तो ये एक टाइप का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है।
कुछ इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड होने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते रहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ चेंज हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ चेंज हो रहा है, लेट्स से वर्क हो रहा है, तो जितना वर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है उतना ही वर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, नेट वर्क डन जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो जीरो आएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये एक टाइप से रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं है, ये चलता रहता है। तो हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक टाइप का डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है और जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये जो है बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अटेंड हो सकती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन विल नेवर अटेंड अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बट रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अटेंड अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम हमारे पास में अटेंड हो गया है, इसके अंदर रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इसमें जो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो एक ही फिजिकल स्टेट में है। तो सिंपल सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो PCl5 गैस फेज में डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली, तो PCl3 बनेगा गैस फेज में और Cl2 बन जाएगा गैस फेज में। तो यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, तो ये एक टाइप का होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। इसी टाइप से लिक्विड फेज हो सकता है, एक्वस फेज हो सकता है ना, जैसे एस्टर का फॉर्मेशन है, तो एस्टर के फॉर्मेशन में हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं, अल्कोहल भी लिक्विड होता है, और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिवर्सिबली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में बनेगा एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि लिक्विड ही होता है, ये भी एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अगर सेम फिजिकल स्टेट में नहीं है तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रख देंगे। अब हिट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है किसी क्लोज्ड वेसल में, तो कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसे इस टाइप से हमने इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक होमोजीनियस हो गया और एक हिट्रोजीनियस हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम की एक और कैटेगरी हम लेते हैं और वो कैटेगरी है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ रहे हैं ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि टू और मोर केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द सेम रिएक्शन वेसल, एक ही वेसल में सब कुछ हो रहा है। सपोज हम NO2 को कूल कर रहे हैं, तो NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, रेडिकल टाइप का है, कूल करने से ये डाइमराइज होने लगता है और इसकी जो डाइमरिक फॉर्म होगी वो N2O4 होगी, वो भी गैस फेज में है। लेकिन जिस वेसल में हम NO2 को कूल कर रहे हैं, ठीक है, उस वेसल में अगर एयर अगर है ना, तो ये NO2 एयर के साथ रिएक्ट भी कर सकता है और ये NO2 एयर के साथ रिएक्ट करके एक और गैसियस प्रोडक्ट बनाएगा और वो है N2O5, N2O5 भी फॉर्म हो सकता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कोई भी गैस फेज रिएक्शन है उसको क्लोज्ड वेसल में अगर आप कराएंगे तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि अंडर सर्टेन कंडीशन किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो किसी न किसी कंडीशन में उस सब्सटेंस का डिसोसिएशन भी हो गई होगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम सेम रिएक्शन वेसल में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कह देंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कह देंगे, ठीक है। Two or more equilibrium existing in same reaction vessel are called as simultaneous equilibrium. चलिए अब ये देखिए कि अगर हमारे पास में कोई एक अगर एक chemical equilibrium है, तो जैसे मैंने कहा था कि ये किसी एक reversible reaction के अंदर ही chemical equilibrium की stage जो है वो attend हो सकती है। तो ये reversible reaction अगर हम एक example लेते हैं, A moles of reactant A, अभी मैं gas phase system ले लेता हूँ, ठीक है, B moles of reactant B in dynamic equilibrium with C moles of product C and D moles of product D. ये जो small a, b, c, d है, वो reactants A, B and product C, D के stoichiometric coefficients हैं। Now, ये जो हमारे पास में chemical equilibrium है, इस chemical equilibrium की दो important characteristic properties होंगी,
जो पहली इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, इसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशियंट, जिसको सिंबल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जो है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन कोशियंट होता है जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको के ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या चीजें, ये जैसे क्या करते हैं कि आप जानते हो कि एक रिएक्शन अगर होती है तो उस रिएक्शन का रेट होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ऐसे ही जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका भी रेट होगा, तो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंटू रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये ऐसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो आप देखिए कि इनिशियली तो क्या होगा कि हमारे पास में सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, कुछ समय बाद में प्रोडक्ट्स बनेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी कुछ रेट आ जाएगा। तो अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास में इनको अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम कहेंगे के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी के बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। ये जो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशंस है, ये कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। कहाँ पर है ये कॉन्सेंट्रेशंस? ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे कॉन्सेंट्रेशंस है, ठीक है, क्योंकि हमने जो कंडीशंस लगाई है वो कहाँ पे लगाई? इक्विलिब्रियम स्टेट पे लगाई है। इक्विलिब्रियम पे रेट जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो इन रेट एक्सप्रेशंस में इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशंस को हमें यूज करना होगा, इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशंस को हमें यूज करना होगा। तो अब आप जानते हो कि जो रेट कॉन्स्टेंट है वो तो कॉन्स्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे के एफ और के बी का रेशियो अगर ले लेते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन सब की वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यू, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम। राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे क्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कहेंगे? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एक रिएक्शन की जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक होता है रिएक्शन कोशेंट और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे किसी रिएक्शन को अगर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो एक रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो इनिशियली तो हमारे पास में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी और रिएक्टेंट की कुछ न कुछ नॉन जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगी होगी। तो अब देखिए कि अगर हम एक कर्व प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस क्यू, तो बिगनिंग के अंदर रिएक्टेंट नहीं होगा, तो रिएक्टेंट नहीं होगा तो क्यू की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, सी और डी का अमाउंट बढ़ेगा, ए और बी का अमाउंट कम होगा, तो क्यू की वैल्यू जो है बढ़ने लगेगी, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगी, कभी ना कभी आकर के क्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो जहां पे भी क्यू की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है तो इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो गई है। तो ये जो सिचुएशन है हमारी वो इक्विलिब्रियम स्टेट वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हम कहेंगे क्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है और वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो गया। जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो कुछ काइनेटिक्स की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ में जो थर्मोडाइनमिक्स है उसकी बात भी करता है। तो हमें इन्हीं चीजों को देखना है, तो आप समझ गए होंगे कि Q और K में क्या रिलेशन होता है। नाउ अगर किसी रिएक्शन का Q गिवन है और उसका K गिवन है तो इन दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस स्टेज पे होगी। तो देखिए, अगर सपोज Q और K इक्वल अगर है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन सिस्टम जो है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, और अगर Q और K
के इक्विलिब्रियम अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट अभी अटेंड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम दो केसेस बना सकते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो क्यू की वैल्यू अगर के इक्विलिब्रियम से अगर बड़ी है तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट जो है बहुत कम है, यही मतलब हुआ इसका। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है और क्यू जो है के के इक्वल नहीं है। के कांट वेरी विथ टाइम, ओनली क्यू कैन वेरी विथ टाइम। हर एक रिएक्शन का कुछ न कुछ के होगा जिसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है जी। क्यू होगा उसकी कुछ न कुछ एक फिक्स वैल्यू, के की फिक्स वैल्यू होगी जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, लेकिन क्यू की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट तो आनी है, तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए क्यू की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्यू की वैल्यू कब डिक्रीज होगी, जब प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा। प्रोडक्ट का अमाउंट कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को कम प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, तो मोर सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन जो है ज्यादा होगी, मोर बैकवर्ड रिएक्शन, और ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्यों हो रही है, ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम हमारा अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। और क्यू की वैल्यू अगर के इक्विलिब्रियम से अगर कम है तो क्यू की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा। प्रोडक्ट का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्शन सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट होकर के वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये क्यू और के को कंपेयर करके हम बता सकते हैं किसी सिस्टम का क्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वहां पे आपको क्या करना है कि उसके अंदर इनिशियली जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को यूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में जो रिएक्शन है हम उसी के लिए लिख लेते हैं, अदरवाइज मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए लिख रहा था, लेकिन अब मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं गिवन रिएक्शन के लिए ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट हमारा सी है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी। ये प्रोडक्ट हमारा डी है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी, ठीक है। मैं रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वही रख रहा हूँ। ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें इनकी यूज करनी होगी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, और के इक्विलिब्रियम जो होता है उसके अंदर इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगी। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है, और ये यहाँ पे हमने सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये के इक्विलिब्रियम होता है। अब एक रिएक्शन का जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशंस है उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो हम जनरली लेंगे वो मोल्स पर लीटर में लेंगे, ठीक है। मोल्स पर लीटर जो हमारे पास में है वो कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो मोलैरिटी की टर्म में हम यूज करेंगे। अब जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किस टाइप का है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई प्योर सॉलिड है या फिर कोई प्योर लिक्विड है, तो इस टाइप के सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, बाय डेफिनेशन वो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर की जाती है। रीजन मैं बता देता हूं क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास में किसी वेसल में कोई सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, ये विजुलाइज कर लेते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है जी। तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो मोल्स पर लीटर में हम निकालेंगे तो वो हो गया हमारे पास में मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। आप पूरे वेसल का वॉल्यूम तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, सारी जगह तो कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम जो है वो कहाँ से आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट
का वॉल्यूम कहाँ से आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कहाँ से आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो आएंगे वो गिवन मास अपॉन मोलर मास से आएगा, और वॉल्यूम कहाँ से आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, गिवन मास अपॉन डेंसिटी से आएगा। तो ये गिवन मास हमने कैल्शियम कार्बोनेट का ले लिया और ये डेंसिटी आ गई कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अब आप देखिए कि ये गिवन मास तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया है पीछे, पीछे रह गया है कैल्शियम कार्बोनेट की डेंसिटी और इसके मोलर मास का रेशियो। तो सोचिए कैल्शियम कार्बोनेट की डेंसिटी जो है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, क्या वो टाइम के साथ चेंज होगा, क्या नहीं होगा टाइम के साथ चेंज। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो जो प्योर सॉलिड होते हैं और प्योर लिक्विड होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 ले ली है। वैसे तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको हमने कंसिडर कर लिया। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की तरह हम उसको यूज करेंगे। बाकी फिर जो है आपके पास में कोई अगर एक्वस स्पीसीज है, एक्वस फेज में कोई अगर है, तो जैसे सपोज हमारे पास में एक्वस फेज में कोई है, तो सपोज एक्वस फेज में सिल्वर आयन है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो आप जानते हो किसकी मोलैरिटी के इक्वल हो सकती है। किसी गैसीय सब्सटेंस को अगर हम देखेंगे जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के मोल्स को हम ले सकते हैं, और ये हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल को ले सकते हैं, क्योंकि किसी गैस का अपना कोई वॉल्यूम तो होता नहीं है, जो वेसल का वॉल्यूम होगा वो गैस का ही वॉल्यूम होगा। तो ऐसे हम अलग अलग टाइप की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने देख लिया है कि हम कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करने के बेसिस पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे सपोज क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो मैं अभी वापस से उसी रिएक्शन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। तो सी मोल्स, प्रोडक्ट सी के मोल्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लगा दिया, ये डी हो गया रिएक्ट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ए हो गया इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट बी हो गया इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है स्क्वायर ब्रेकेट में जो भी लिखा हुआ है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है। अब किस यूनिट में इन कॉन्सेंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे ये जो हमारे पास में के इक्विलिब्रियम है इसके कुछ टाइप्स हो जाएंगे। तो के इक्विलिब्रियम के टाइप्स को अगर हम देखते हैं, तो के इक्विलिब्रियम जो है वो केसी टाइप का हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम जो है वो केपी टाइप का हो सकता है, और के इक्विलिब्रियम जो है वो के काई टाइप का हो सकता है। समझ रहे आप ये? तो ये यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में जो है केसी का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर यूज कर रहे हैं। तो ये तो जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर गैस फेज रिएक्शन के लिए, होमोजीनियस सिस्टम है उसके लिए यूज कर सकते हैं, गैस फेज सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, एक्वस फेज सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब होमोजीनियस सिस्टम के लिए यूज करेंगे। ध्यान रखना केपी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करते हैं वो पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ ओनली फॉर गैस फेज सिस्टम होगा, और मोल फ्रैक्शन तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइप के सिस्टम के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो जैसे देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में ये हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, तो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अब मैं एग्जांपल जैसे बदल देता हूँ कि ये मेरे पास में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है सॉलिड फेज में, और ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया इन गैस फेज और H2S इन गैस फेज। अब इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फाइड सॉरी, जो कि है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड सब्सटेंस है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट रहेगी, और ये अमोनिया और H2S की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ये जो हमारे पास में टर्म होगी, इस टर्म को या तो हम केपी कहेंगे या फिर केसी कहेंगे। अगर मैं केसी कहना चाहता हूं तो मैं यहां पे कहूंगा कि ये हमारे पास में अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे इन मोल्स पर लीटर, ये H2S की कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर इन मोल्स पर लीटर, और अगर मैं इसको केपी कहना चाहता हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास में अमोनिया का पार्शियल प्रेशर है और ये H2S का पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो ऐसे ये केपी और केसी टाइप का हो जाएगा। और अगर मैं इसको कहना चाहता हूं के का ही, तो इसका मतलब है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे पास में अमोनिया का मोल फ्रैक्शन है और ये मेरे पास में जो है वो H2S का मोल फ्रैक्शन है। तो ये ऐसे इस टाइप से हम एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन पर बेस्ड आता है, बताइए भाई कोई आपके पास में रिएक्शन है तो उसके केपी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा। तो देखिए मेरे पास में ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर मैं डिकम्पोजिशन करता हूँ तो ये लिक्विड मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो केपी का एक्सप्रेशन सिर्फ गैस फेज सिस्टम के लिए होता है। तो यहाँ पे ये हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में एक अकेला ही हमारा गैसेस सब्सटेंस है, और वो गैसेस सब्सटेंस जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, दैट्स ऑल। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में प्योर लिक्विड है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्योर सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। और इसके लिए अगर केसी टाइप का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये जो ऑक्सीजन गैस है इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में 2^1/2 देख लेंगे। अब जो है हमें कभी कभी एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें केपी और केसी को रिलेट करने के लिए कहा जाता है। तो जानते हो आप कि किसी रिएक्शन के लिए जो केपी होता है वो केसी से रिलेटेड होता है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी 2^∆NG। ये कहां से आया होगा, ये आया होगा कि देखिए अगर सपोज हमें किसी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो ये कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में अगर मैं लिखता हूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में। अब किसी गैस सिस्टम के लिए अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, PV=nRT। तो इस इक्वेशन को अगर हम n/V के लिए सिंप्लीफाई करते हैं तो n/V के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P/RT की टर्म्स में आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आप डिराइव कर सकते हो। डेल्टा एन जी जो है वो क्या है, डेल्टा एन जी ये बता रहा है कि एक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम और जो रिएक्टेंट है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम है उसका डिफरेंस। तो जो ओरिजिनल रिएक्शन हमने लिया था उसमें प्रोडक्ट सी और डी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो थे स्मॉल सी एंड डी थे, और रिएक्टेंट ए और बी के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे वो ए और बी है। तो यहाँ पे भी हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस के लिए ही यूज करना है, सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस के लिए यूज करना है। जैसे सपोज कि ये अगर हम ले लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, रिवर्सिबली किसी वेसल में डिसोसिएट हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। अब इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक ही गैसियस प्रोडक्ट है CO2 और कोई भी गैसियस रिएक्टेंट नहीं है, तो उसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। अब जब आप इनको रिलेट करेंगे तो आपको आर की वैल्यू लेनी होगी कि भाई आर क्या लेंगे, टी तो टेम्परेचर है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे जो है हम देखना चाहेंगे कि केपी और केपी की केसी की यूनिट क्या होती है। तो जो हमारे पास में यूनिट ऑफ केपी जो होगा किसी रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, वो होगा यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में हमने पार्शियल प्रेशर्स यूज किए हैं, तो यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर 2^∆NG। पार्शियल प्रेशर किसी भी यूनिट में ले सकते हो। यूनिट ऑफ केसी अगर हम देखेंगे तो
ये हो जाएगा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, क्योंकि हमने सबकी कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में लिया है, एन डेल्टा एन जी आ जाएगा। जो के काई है जिसमें मोल फ्रैक्शंस लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो कोई यूनिट नहीं होती, वो जस्ट एक नंबर है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टाइप का नंबर हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग टाइप की आएगी। तो अब ये जो रिलेशन आप यूज कर रहे हैं, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी होल टू दी पावर डेल्टा एन जी, तो आप के पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो के सी की जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अब के सी अगर हमारे पास में गिवन है मोलैरिटी टू दी पावर डेल्टा एन जी में, तो के पी हमारा आएगा, ठीक है, एटमोसफियर टू दी पावर डेल्टा एन जी में, और आर को हम लेंगे 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल, ठीक है, लीटर एटमोसफियर पर मोल पर कैल्विन। तो ये जो है कह सकते हैं कि के सी जो है हमारे पास में वो होगा मोल्स पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन जी, और के पी जो आएगा वो एटमोसफियर टू दी पावर डेल्टा एन जी में आ जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आर अगर हम लेते हैं 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन। तो ये ऐसे इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको इस रिलेशन पर बेस्ड मिलता है। तो ये आर की वैल्यू को आप उस यहाँ पे सब्सिट्यूट करके बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये इस टाइप से हमने देख लिया है कि के पी और के सी की वैल्यू को कैसे रिलेट करते हैं। एक क्वेश्चन हमें ये पूछ लिया जाता है कि के पी का मैग्नीट्यूड अगर गिवन है, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या है। तो अगर किसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई सा भी है, उसकी वैल्यू 10^3 से अगर बड़ी है, तो प्रोडक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, प्रोडक्ट्स आर इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। और अगर एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10^-3 से अगर छोटा है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये बहुत कम अमाउंट में प्रोसीड किया गया है, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट ही है हमारे पास में, तो रिएक्टेंट्स आर सिग्निफिकेंट। और किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 10^-3 to 10^3 के बीच में अगर है, तो इसका मतलब है कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सिग्निफिकेंट, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सिग्निफिकेंट। ये हम इस टाइप से एनालिसिस करके बता सकते हैं। अब एक रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर दे रखा है, तो आप डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये कैलकुलेट करके बता सकते हो। जैसे देखो कि ये मेरे पास में PCl5 है, ठीक है, गैस फेज में है, और PCl3 गैस फेज में प्रोडक्ट बन रहा है, Cl2 गैस फेज में बन रहा है। तो इनिशियली सपोज मेरे पास में इसके ए मोल्स थे, ठीक है, तो ऐसे हमें एक एनालिसिस कर लेना चाहिए कि ये इनिशियल है, इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो ही होता है। अब चेंज क्या होगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई PCl5 के कुछ मोल्स तो टूट ही जाएंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, तो जितना PCl5 ब्रेक होगा ये एज्यूम कर लेना है, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टोइकोमेट्री ये कह रही है कि 1 मोल PCl5 का अगर यूज होगा तो 1 मोल PCl3 बनेगा और 1 मोल Cl2 बनेगा। तो x मोल PCl5 अगर यूज हो रहा है तो x मोल PCl3 बनेगा और x मोल Cl2 बनेगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो है वो क्या रह जाएगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हम देख सकते हैं। तो इनिशियली हमने ए लिया था, चेंज एक्स का आ रहा है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारे पास में केसी अगर है, तो जानते हो आप कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इन मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम इन मोल्स पर लीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इन मोल्स पर लीटर। अब इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं तो ये Q हो जाएगा, अदरवाइज हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में मोल्स एक्स है और गैस फेज में रिएक्शन हो रही है, तो वेसल का कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा, तो ये हमारे पास में इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है मोल्स पर लीटर में।
तो आप देखिए कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ए गिवन है, तो हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कितना PCl5 होगा, कितना PCl3 होगा, कितना Cl2 होगा, या फिर ए की वैल्यू गिवन है, एक्स भी गिवन है, वी भी गिवन है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसके लिए अगर आपको केपी का एक्सप्रेशन अगर फाइंड आउट करना है, तो एक तो यही तरीका हो गया, केसी निकाल लिया आपको, जो हमने पहले रिलेशन देखा था केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी के रिलेशन से इसको चेंज कर लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लेना होगा PCl3 का, पार्शियल प्रेशर लेना होगा Cl2 का, और पार्शियल प्रेशर लेना होगा PCl5 का। तो आप लोगों ने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना, ठीक है, तो क्या कहता है, किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे PCl3 का टोटल मोल्स अगर देखते हैं यहाँ पे, तो टोटल मोल्स यहाँ पे सिर्फ ए है, यहाँ पे टोटल मोल्स अगर देखेंगे तो एक्स ही रहेंगे, और यहाँ पे टोटल मोल्स अगर देखते हैं तो ये ए एक्स है, ये हमारे पास में टोटल मोल्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी हमारे पास में। तो अब इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, कुछ ना कुछ तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर होगा ना, तो ये एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, और ये जो है हमारे पास में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। तो ये ऐसे ऐसे जो हमारे पास में वैल्यूज अगर गिवन है तो इनको हम सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, एक ए माइनस एक्स और एक ए माइनस एक्स जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टोटल प्रेशर की टर्म्स आ जाएगी, ये ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स की एक टर्म रह जाएगी इस टाइप से। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वॉल्यूम की टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वन बाय वी आ जाएगा। जैसे आप गैस फेज में रिएक्शन अगर हो रही है तो वी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे है ना, तो वी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वी की वैल्यू होती है एन आर टी बाई पी, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करके हम सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तो मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, इससे आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करना। अच्छा, अब एक रिएक्शन हमारे पास में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है, ठीक है, इसको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो क्या होगा, तो एक अनदर हम इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, और वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल्स, तो ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये क्या कहना चाह रहा है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि एक जो हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ है कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, प्रोवाइडेड ऑल रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसी भी डायरेक्शन से अटेंड हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अटेंड हो सकती है, मींस अगर हम सिर्फ रिएक्टेंट ले लेते हैं तो कुछ समय बाद में प्रोडक्ट बनकर के इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो जाएगी, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो कुछ समय बाद में रिएक्टेंट्स बनकर के इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो जाएगी, ठीक है, और सब कुछ मिला देते हैं तो भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। और किसी भी इक्विलिब्रियम को अगर आप कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करके डिस्टर्ब अगर करते हो तो डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ केसेस में डिस्टर्ब नहीं भी होता है, लेकिन वापस से वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करता है। तो वापस से जब इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करेगा तो जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया उसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है। जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसका जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो देखिए, आपने स्विंग को ऐसे पुल किया, वो अपनी स्टेशनरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब हो गया, तो अब वो क्या करेगा कि हमने इसको इस डायरेक्शन में पुल किया है तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट कि जो हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और ये अपनी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस से आ जाए। ऐसा ही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करके अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो इट मे गेट डिस्टर्ब बट वेरी सून इट अगेन री अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट इट शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड गेट कैंसिल, मतलब जो कुछ बाहर से कर रहे हैं उसका अपोजिट होता है।
तो अब ली शेटले प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है और न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन किसी न किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्विलिब्रियम का हमारा। तो इस बार हम एग्जाम्पल लेते हैं हेबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है उसका। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिवर्सिबली कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन होगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पर मेरे पास में नाइट्रोजन के कुछ मोल्स हैं ए, हाइड्रोजन के कुछ मोल्स हैं बी और अमोनिया के कुछ मोल्स हैं सी। अब मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वही पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और रेज टू द पावर ऑफ दैट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें यूज करना है, समझ रहे ना इस चीज के लिए। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर लिख देता हूं तो ये जो है मेरे पास में सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार सोचिए देखिए कि जो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर आप लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या टर्म आएगी, ऐसी टर्म आएगी। नाउ जनरली जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में केपी का एक्सप्रेशन होता है उसको हम टोटल प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं। मैं यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो गैस फेज में रिएक्शन अगर हो रही है तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर टी अपॉन वी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ टोटल नंबर, ये टोटल प्रेशर की। तो ये एक्सप्रेशन एक और टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी क्यूब। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v अपॉन आर टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन बन गया। और हमेशा ध्यान रखो कि एक रिएक्शन के अंदर जो ये हमारे पास में a, b और c जो ले रखे हैं हमने कॉन्सेंट्रेशन, ये जब इनिशियल स्टेट पे होगी तो वो q को रिप्रेजेंट करेगा और ये जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगी तो वो k को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज जब होती है तो एट इक्विलिब्रियम जो Q होता है और जो K होता है वो इक्वल होता है, K कोई सा भी K हो सकता है। और जब हमारे पास में नॉट एट इक्विलिब्रियम तो जो Q है वो नॉट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हम C, B और A की वैल्यू को सब्सिट्यूट करके ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम चेंज ओनली विद टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो के की वैल्यू चेंज होती है सिर्फ टेम्परेचर के साथ और क्यू की वैल्यू जो है वो अदर पैरामीटर्स के साथ चेंज हो सकता है। सो वैल्यू ऑफ क्यू चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर चेंज हो गया, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, एंड ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यू का भी एक्सप्रेशन है और ये के का एक्सप्रेशन भी है। के तो हम जानते हैं कि बताया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड था, ये हमारा के था। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का रेशियो है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसी रिएक्शन के अंदर अगर देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा।
आप रिएक्टेंट अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैं वापस से आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया कि अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, मैंने इसमें एक्स मोल नाइट्रोजन के और डाल दिए, तो एक्स मोल नाइट्रोजन के डालने से क्या होगा, नाउ सी रिमेन सी, बी रिमेन बी, बट इस एक्सप्रेशन में देखते हैं सी रिमेन सी, बी रिमेन बी, बट ए बिकम ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्यू पी है वो बढ़ जाएगा। सो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा कि Q जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, K जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज किया जी, तो Q इंक्रीज, रिएक्टेंट हम बढ़ा देंगे, सॉरी। वापस से देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मैंने क्या किया है कि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया, तो Q चेंज हो जाएगा, नॉट इंक्रीज, मैं कह रहा हूँ Q चेंज हो जाएगा, तो ये A बिकम A प्लस एक्स, तो ये Q है, Q Q का भी एक्सप्रेशन है और ये K का एक्सप्रेशन भी, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये K है और Q भी है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने A को नाइट्रोजन के X मोल्स डाल दिए, तो A बिकम A प्लस X, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा Q छोटा हो जाएगा। रिएक्टेंट जब आप ऐड करेंगे, रिएक्टेंट ऐड करने से Q डिक्रीज हो जाता है, K कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं है, तो अब क्या होगा, तो अब ना Q की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो क्यू की वैल्यू को इंक्रीज कब हो, कैसे होगी, जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे और रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमने रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम ये चाहेगा इसका अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगी, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगी, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगी, और अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगेगी, तो न्यू इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ रिएक्टेंट का काम हो गया। अब ऐसे ही अगर देखते हैं हम एडिशन ऑफ प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है जैसे ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम लिया है, हमने अमोनिया के एक्स मोल्स ऐड कर दिए, तो नाउ सी बिकम सी प्लस एक्स, तो ये सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो क्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा के इक्विलिब्रियम है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो अब क्यू बड़ा हो गया है, के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट वापस से आनी ही आनी है, तो इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम क्यू की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो क्यू की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कम होने का मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, ठीक है जी। तो ये एडिशन हो गया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट अगर आप रिमूव कर लेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमने क्या किया कि यहां से एक्स मोल नाइट्रोजन के रिमूव कर दिए, तो ए बिकम ए माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे जो ए माइनस एक्स होगा तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये Q की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, K जो है हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अब न्यू इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए K की Q की वैल्यू को K के इक्वल करना होगा, तो Q की वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, तो डिक्रीज कब होगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा, हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा, अमोनिया का अमाउंट कम होने लगेगा, जो चेंज बाहर से किया जा रहा है उसका अपोजिट चेंज होने वाला है, तो ये जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है उसको यूज करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या है। अब अगर हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अगर रिमूव करेंगे तो क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, प्रोडक्ट हटा दिया, देखो वापस से कि अगर मैं इस रिएक्शन में से सी मोल अमोनिया के अगर रिमूव कर देता हूं तो इट बिकम सी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू पी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्यू पी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए के इक्विलिब्रियम में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब क्यू की वैल्यू को वापस से के इक्वल होना है तो क्यू की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, तो क्यू की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा,
रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया नाइट्रोजन जो है हमारा रिएक्टेंट उसका अमाउंट कम होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट कम होगा रिएक्टेंट है, अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। अच्छा अब देखिए कि अगर सपोज हमारे पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको ऐड और रिमूव करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो नो इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास में सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फेज में इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फेज, तो इसमें से अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव कर लूं या कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव कर दूं या थोड़ा सा और ऐड कर दें तो इस पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब, ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि अब ऐसी जैसे आप एक्सप्रेशन बनाओगे केपी का, केपी का वॉल्यूम की टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में, तो उसमें ये टर्म आएगी नहीं। जैसे इसके लिए ये मेरे पास में ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब यहाँ पे इसके लिए जब हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू हो जाएगा, और सीओ टू का जो प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यही आएगा सीधा हमारे पास में एनआरटी बाई वी। तो अब मैं एक्स मोल कैल्शियम ऑक्साइड के इसमें अगर ऐड कर देता हूं तो क्या चेंज हुआ इसमें, देखिए कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए सॉलिड सब्सटेंस को ऐड और रिमूव करने का इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो आप देखो कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक का इफेक्ट स्टडी कर लो, दूसरे का इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो अब सबसे पहले तो आप ये देख लेना है कि रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज करने का और प्रेशर चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो। और अगर डेल्टा एन जी जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ही होगा। तो डेल्टा एन जी अगर सपोज हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है सपोज, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो आप देखिए डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि डिसोसिएशन हो रहा है, मोर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये है मेरे पास में PCl5 इन गैस फेज, ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस PCl3 इन गैस फेज एंड Cl2 इन गैस फेज। इसका डेल्टा एन जी अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो दो गैसियस प्रोडक्ट है और एक गैसियस रिएक्टेंट है। तो अब प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो कि प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब हम पास पास मिला रहे हैं, तो पास पास मिलाने से क्या होता है, एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन फेवर होगा, तो इसका मतलब सिस्टम वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव अगर है तो प्रेशर इंक्रीज करने से कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये एरो का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो वहां जाएगा जहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, जहां पे मोर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जैसे प्रेशर कम कर देंगे तो सब चीजें दूर दूर जाने लगेगी, अलग अलग होने लगेगी, तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस है। तो समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा है, प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले डेल्टा एन जी देखना है। डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो प्रेशर चेंज करने का और वॉल्यूम चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस बन रहे हैं, इसको हम डिसोसिएशन कहेंगे। डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में मोर नंबर ऑफ मोल्स है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम एसोसिएशन कहेंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से एसोसिएशन बढ़ता है, प्रेशर कम करने से डिसोसिएशन बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में एसोसिएशन हो रहा है, और प्रेशर अगर कम कर दूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो इन प्रेशर में जो इंक्रीज हो रहा है ऑलवेज फेवर एसोसिएशन। सब पास पास में आएंगे, लेसर नंबर ऑफ मोल्स होने लगेंगे, और जो लोअर प्रेशर है वो क्या करता है, दैट फेवर डिसोसिएशन, दूर दूर होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे, ऐसे देख सकते हैं। अब प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम कम का वही इफेक्ट होगा जो प्रेशर बढ़ाने से इफेक्ट होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने का वही इफेक्ट होगा जो प्रेशर डिक्रीज करने का इफेक्ट होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट होगा। किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हमारे पास में ये जो है अमोनिया का फॉर्मेशन है, तो दो मोल नाइट्रोजन के हैं, तीन मोल हाइड्रोजन के हैं, ये कंबाइन करके दो मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, मोर नंबर ऑफ गैसेस सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म लेसर नंबर ऑफ गैसेस सब्सटेंस। बैकवर्ड रिएक्शन को अगर देखेंगे तो डिसोसिएशन हो रहा है ना, लेसर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसोसिएट्स टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ तो रिमेम्बर प्रेशर हमेशा क्या करता है, हायर प्रेशर फेवर एसोसिएशन। तो आपको देखना होगा ये वहां जा रहा है जहां एसोसिएशन हो रहा है, तो दैट इज एसोसिएशन कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर हम कम कर देंगे तो कहां जाएगा, प्रेशर कम कर देंगे तो वहां जाएगा जहां डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में डिसोसिएशन कहां हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रेशर का इफेक्ट जो है वो क्या होगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में जो सिस्टम है उसमें कोई गैसेस सब्सटेंस है ही नहीं, ठीक है, तो कोई गैसेस सब्सटेंस नहीं है, इफ नो गैसियस सब्सटेंस देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड हायर डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड। आप देख लीजिए कि हायर डेंसिटी वाला सॉलिड और लिक्विड किस तरफ है, हायर डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड जिस साइड में भी मिल जाएगा उधर जाएगा, क्योंकि वही बात है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सब कुछ पास पास में आएगा, पास पास में आएगा तो मोर डेंस बनेगा, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे हायर डेंसिटी मटीरियल है। सो इफ नो गैसेस सब्सटेंस देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ठीक है, ये यहां पे देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स हायर डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की तरफ दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है प्रेशर का इफेक्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर हमें देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कोई भी गैस अगर इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ अगर रिएक्ट नहीं कर रही है तो उस गैस को हम इनर्ट गैस कह देंगे, या फिर एक्चुअल में जो हमारे पास में इनर्ट गैसेस होती है उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हम सबसे पहले आपको देख लेना है कि डेल्टा एन जी जो है वो क्या है। तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। डेल्टा एन जी अगर नॉन जीरो है तो अब आपको देखना है कि ये जो है एडिशन हम कहां कर रहे हैं, तो इसमें पहले देखेंगे कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर किसी इनर्ट गैस को अगर आप ऐड करोगे रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर नॉन जीरो है तो नो इफेक्ट
तो इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने का कभी कोई इफेक्ट नहीं होता है। रीजन समझा देता हूं, देखो क्या है कि ये हमने जो इक्विलिब्रियम लिया था हमारा, ठीक है, अमोनिया वाला जो इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास में, ये आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कि वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट किया हुआ है और इसके अंदर एक्स मोल हीलियम के मैं ऐड कर रहा हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है, एक्स मोल हीलियम के मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्या सी में चेंज आएगा? इनिशियली नहीं आएगा। क्या ए में चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या बी में चेंज आएगा? नहीं आएगा। टी तो कांस्टेंट ही है, वी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्यू स्टिल इक्वल टू क्यू, क्यू स्टिल इक्वल टू के, नो इफेक्ट। अगर इसको आप देखते हो तो एक्स मोल हीलियम के ऐड करने से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एनटी है, एक्स मोल हीलियम के डालने के बाद में वो एनटी प्लस एक्स हो जाएगा, बट टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो है पीटी सम पी हो जाएगा, एक्स मोल हीलियम के जो भी आएंगे उसकी वजह से कुछ प्रेशर होगा, तो इसका मतलब मोल्स और प्रेशर का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि मोल्स और प्रेशर का जो रेशियो है वो वी अपॉन आर टी है, V में चेंज हो नहीं रहा है, T में चेंज हो नहीं रहा है, तो इसलिए Q में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो Q अभी भी K के बराबर है, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम देखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर तो हमें कांस्टेंट रखना है, इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें क्या कर देना है, वॉल्यूम बढ़ा देना है, तो वॉल्यूम बढ़ने का जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट हम यहाँ पे इनर्ट गैस का इफेक्ट देखेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम वहां कम हो रहा होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस होंगे, सो ऑन इंक्रीजिंग मतलब ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर equilibrium shift towards greater number of moles of gaseous substances if delta ng is not equal to zero. तो ये हमारे पास में एक inert gas को add करने का effect हो गया। अब देख लेते हैं कि temperature का जो effect है वो क्या होगा। तो temperature के effect के लिए देखिए कि हमारा जो equilibrium constant है वो भी बदल जाएगा। तो temperature के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास में जो डेल्टा एच है किसी रिएक्शन का वो क्या है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है प्लस हीट इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके जा रहा है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो इसका मतलब है के की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस With increase in T, क्योंकि endothermic है और ज्यादा product बनेगा, ज्यादा product बनेगा तो equilibrium constant की value बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब कहाँ गया ये, कहाँ shift कर गया, forward direction में shift कर गया, ठीक है, और K equilibrium की जो value होगी वो क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी with decrease in temperature, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हीट कम कर दी आपने, हीट बाहर निकाल दी, तो फॉरवर्ड में जा ही नहीं पाएगा, तो यहां पे ऐसे हम कह सकते हैं कि ये फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमारे पास में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास में प्रोडक्ट हो गया और ये हमारे पास में रिएक्टेंट हो गया। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसलिए इस रिएक्शन की दो टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ये फॉरवर्ड, और ये जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, और आप जानते हो कि एक रिएक्शन का मतलब ये हमारे पास में जो है एनर्जी हो गई, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे वेरियस टाइप की एनर्जी है, और ये पाथ ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट आप लोग जानते हो। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है
इस रिएक्शन को, ये तो मैंने एक्सोथर्मिक के लिए बना दिया यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारे पास में डेल्टा एच हो गया, हीट जो है इसमें क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उस पे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा होता है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उस रिएक्शन पे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट ज्यादा बढ़ेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट कम बढ़ेगा। तो ये छोटी वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी, तो क्या इक्विलिब्रियम छोटा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक के लिए करेंगे। अब ऐसे ही अगर आप एंडोथर्मिक के लिए देखोगे तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि फॉर एक्सोथर्मिक, या ये लिखा हुआ है यहां पे एंडोथर्मिक है, तो यहां पे मैं कह देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा, और के फॉरवर्ड में इंक्रीज ज्यादा होगा, के बैकवर्ड में इंक्रीज कम होगा। इंक्रीज तो दोनों ही होंगे, तो के फॉरवर्ड में जब इंक्रीज ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मतलब एक्सप्लेनेशन है, इसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। दूसरा देखो कि यहाँ पे डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो अब यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें देखिए टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कम चेंज आएगा रेट में, रेट कॉन्स्टेंट में, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कॉन्स्टेंट में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उस पर टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होने लगेगा। सो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टी, तो ये डिक्रीज होने का मतलब हो गया के फॉरवर्ड कम हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गई, तो इसका मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कंजम्पशन कम हो गया। इसका मतलब रिएक्टेंट या तो बन रहे हैं या रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कहां जा रहा है, ये फॉरवर्ड में नहीं जा पा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वहां जाएगा जहां पे हीट का कंजम्पशन हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम वहां जाएगा जहां पे हीट का कंजम्पशन हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट का कंजम्पशन हो रहा है। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर जब कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन पे इफेक्ट ज्यादा होगा, तो रेट कॉन्स्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का ज्यादा जो है हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा, तो के भी छोटा होने लगेगा बहुत ज्यादा, तो के इक्विलिब्रियम बढ़ने लगेगा। के इक्विलिब्रियम बढ़ने का मतलब है प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, अब टेम्परेचर हो गया, अब हम देखते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। तो कैटलिस्ट का तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है कैटलिस्ट का प्रेजेंस और एब्सेंस। बस ये क्या करता है कि एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम मिनिमाइज होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम मिनिमाइज हो जाता है। तो ये इस टाइप से हमारा जो नो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है हमने देख लिया ली शटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब देखिए हमें कभी कभी जो है एक कर्व प्लॉट करने के लिए कह दिया जाता है। तो देखिए कि कोई अगर हमारे पास में रिएक्शन है, यही रिएक्शन जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, तो क्या होगा, इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर टी एल एन क्यू से रिप्रेजेंटेड होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो जीरो हो जाता है और उसका जो क्यू होता है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। इन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास में जो है एक और रिलेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का रिएक्शन की थर्मोडाइनमिक्स के साथ,
तो एक रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि एक रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है एक रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है वो उस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है और एंट्रोपी चेंज है इससे रिलेटेड है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास में माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर टी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई किया है और आर टी से डिवाइड कर दिया है तो ये एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब इस न्यू इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये न्यू इक्वेशन जो है हमारे पास में वो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम एक कर्व प्लॉट करते हैं कि जिसमें वाई एक्सिस पे हम एल एन के इक्विलिब्रियम ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे वन बाई टी ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारा स्लोप है वो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट के अकॉर्डिंग तो स्लोप जो है वो माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन अपॉन आर हो जाएगा। तो एक्चुअल रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का स्लोप क्या होगा ये बता देंगे। और इसका जो हमारे पास में वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा उसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर हो जाएगा। तो किसी रिएक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो उस रिएक्शन का जो हमारे पास में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और डेल्टा एस जो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। एक रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो सकता है और डेल्टा एस जो है वो भी नेगेटिव हो सकता है। एक रिएक्शन का जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो सकता है और इसका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो सकता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं हम तो ये बेसिकली डेल्टा एच नॉट की बात हो रही है। यहाँ पे डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट की बात हो रही है ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है और इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव हो सकता है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम कर्व प्लॉट करके बता सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो कैसा होगा। तो अगर मैं सपोज ये वाली कंडीशन लेता हूँ कि जिसमें मैंने जो है एक ऐसी रिएक्शन चूज की है जिसका डेल्टा एच जो है वो हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो भी पॉजिटिव है तो इसका स्लोप तो एक्चुअल में जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे पास में इंटरसेप्ट हो गया है। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। गलती से लग गया यहाँ पे ठीक है, मैं प्लस लिख रहा था। तो ये डेल्टा एस नॉट अपॉन आर हमारा जो है वो इंटरसेप्ट हो गया क्योंकि डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है और स्लोप इसका अगर हम देखते हैं तो स्लोप इसका माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर हो जाएगा। तो ये ऐसे हम एक रिएक्शन के जो वेरियस पार्ट्स है उसको ग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए अगर हमारे पास में कोई एक रिएक्शन है जैसे ये है। एक और क्वेश्चन आपको इस सेक्शन पर बेस्ड मिलेगा कि कार्बन है सॉलिड फेज में और ऑक्सीजन के साथ इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है 2CO2 इन गैस फेज। इस रिएक्शन का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम कह देते हैं के ठीक है, इसको हम कुछ कह देते हैं के। अब मैंने क्या किया है कि इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ तो रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस हाफ ओ टू इन गैस फॉर्म इन इक्विलिब्रियम विद सीओ टू इन गैस फॉर्म। तो जैसे किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
की वैल्यू तो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का जो तरीका होता है क्यू की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सपोज कुछ के वन होगा, तो वो के से रिलेटेड होगा। जब आप किसी रिएक्शन को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, पेरेंट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर एक्स हो जाएगी। तो के वन जो होगा वो के टू द पावर हाफ हो जाएगा। हाफ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो k टू दी पावर हाफ हो जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, इस रिएक्शन का डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो फिर ये ऐसे दिखाई देगी रिएक्शन हमें, ठीक है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, तो जस्ट मतलब मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका हमने रिवर्स कर दिया तो ये 2C इन सॉलिड फॉर्म बन जाएगा प्लस O2 इन गैस फॉर्म बन जाएगा। तो अब इसका भी एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, इसका भी एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कुछ K2 ले लिया, तो एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पेरेंट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, पेरेंट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये ऐसे जो है हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए अगर हमारे पास में कोई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है, ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में एक तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं कि 2C इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 इन गैस फॉर्म गिव्स 2CO, ठीक है। ये एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा यहाँ पे कि ये जो है मैंने बैलेंस नहीं हो पाया था, ये CO बना रहा हूं मैं अभी, CO2 नहीं बना रहा हूं मैं, CO बना रहा हूं, ओके। ये तो ठीक है, ये CO बनाया, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, CO2 अब बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा बैलेंस है, CO बनाना है, मैं CO2 नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए आप कि क्या हो रहा है। ये तो ये CO बन गया, एक रिएक्शन ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K1 है। और एक रिएक्शन हमारे पास में और है कि जैसे जहां पे CO बना है वो O2 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये 2CO O2 के साथ कंबाइन करेगा तो 2CO2 बन जाएगा। इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये K2 होगा, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और ये क्या होगा, K2 होगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2CO और ये 2CO एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, क्योंकि वहां का प्रोडक्ट है और यहां का रिएक्टेंट है। और एक रिएक्शन हमारे पास में और आ जाएगी, वो होगी 2C इन सॉलिड फॉर्म प्लस 2O2 इन गैस फॉर्म गिव्स 2CO2 इन गैस फॉर्म। और इस रिएक्शन का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K। तो जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो CO की पावर 2 अपॉन O2 हो जाएगा, क्योंकि C तो सॉलिड आएगा ही नहीं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो ये CO2 द पावर 2 अपॉन CO2 द पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 इनटू K2 हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए कि K1 जो है हमारे पास में CO की पावर 2 अपॉन O2, और K2 जो है हमारे पास में वो CO2 the power 2 अपॉन CO2 the power 2। तो ये CO और CO तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली वही आएगा जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 होल टू the power 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 the power। तो ये यहाँ पे
इसके अंदर O2 की पावर जो है वो 2 आ जाएगी, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये भी हो गया है कि ये यहाँ पे एक स्टेप मेरा छूट गया है, यहाँ पे O2 रहेगा, ठीक है। तो ये O2 यहाँ पे भी है, O2 यहाँ पे भी है, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास में सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें O2 भी रहेगा, तो ये छूट गया था। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 अपॉन O2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये ऐसे जो है कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के कुछ पार्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप कर सकते हैं और इन पर जो है क्वेश्चंस वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है रिविजन था। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम के इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या क्या है, उनको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आप करिएगा क्योंकि मैंने थ्योरी जो है आपको रिवाइज करा दी, और साथ साथ में ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट्स लिए हैं यही इसी टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है यहाँ पे, न्यूमेरिकल डेटा डालेंगे तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो वॉक यू, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन्स एग्जामिनेशन एंड जेई एडवांस एग्जामिनेशन। सो हाई एवरीवन, सो माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट of equilibrium, that is the ionic equilibrium. तो first part में मैंने chemical equilibrium से related important concepts का एक quick revision कराया था आपको। तो अब ionic equilibrium का quick revision कर लेते हैं, और ये भी एक बड़ा important part है equilibrium chapter का। एक question तो इस section में से आता ही आता है। सबसे पहले तो एक question जो है हमारे पास में, कोई भी substance अगर है उसकी acidic nature और basic nature से related questions हो सकता है। तो जनरली जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास में वेरियस थ्योरीज है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो एसिड होगा या बेस होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये हम अरहेनियस थ्योरी से जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अरहेनियस थ्योरी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, तो एक हमारे पास में अरहेनियस कॉन्सेप्ट होता है। तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो अगर H+ आयन डोनेट करता है तो वो एक एसिड है। तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है वो क्या होता है, H+ आयन डोनर। इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करने से अगर H+ आयन अगर डोनेट कर रहा है तो वो एक एसिड है। बेस का मतलब है कि जो OH आयन डोनर अगर है, जो OH आयन रिलीज करता है वाटर में डिजोल्व करने से, तो वो एक टाइप का बेस है। तो नॉर्मली हमारे पास में ये इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हो गए, सभी सब्सटेंसेस को हम अरहेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसिड और बेस की कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अरहेनियस ये कहता है कि जो एसिड और बेस है वो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह हम कंसिडर करते हैं। ना दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को इंक्लूड कर सकता है। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है वो H+ आयन डोनर होता है। जरूरी नहीं है कि वो वाटर में ही रिलीज करेगा, गैस फेज में रिलीज कर सकता है। सो H+ आयन डोनर सिंपल। तो इसका मतलब है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को हम H+ डोनर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको जस्ट हमने ऐसे HA से रिप्रेजेंट कर दिया, और किसी तरीके से अगर ये HA का बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो ये H+ A- हो जाएगा। तो ये HA जो है इसको हम कह देंगे ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। और जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस जो है वो क्या होगा, बेस जो होता है बेसिकली H+ आयन एक्सेप्टर होता है। तो H+ आयन एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास में या तो माइनस चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो कोई B- है या फिर जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो एक H+ आयन एक्सेप्टर की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये जब H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो या तो ये HB+ बन जाएगा अगर बी लोन पेयर वाला है, और या फिर ये HB बन जाएगा। तो इस टाइप से
एच प्लस आइन जो एक्सेप्ट करता है इसको हम ब्रॉन्स्टेड बेस की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि वाटर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ये जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है कहता है कि एवरी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एसिड बेस। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एच ए अगर एसिड है तो इसमें से अगर हम H माइनस अगर रिमूव कर लेते हैं, H प्लस रिमूव कर लेते हैं, तो जो स्पीसीज बनेगी वो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इसी टाइप से अगर कोई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी कर रहा है और ये एक H प्लस अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर जो स्पीसीज बनेगी वो इसका कॉन्जुगेट पार्ट हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा। तो ये अगर बेस है तो ये जो है यहाँ पे बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एवरी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये क्वेश्चन जो है आपको इन एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ पर बेस्ड आ सकता है। तो देखिए कि इन ए पीरियड और पीरियोडिक टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पीरियड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो इंक्रीज होती रहेगी। सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं अगर बताता हूं तुम्हें कि ये हमारे पास में मीथेन है, ये अमोनिया है, ये वाटर है और ये HF है। तो आप जानते हैं कि इन चारों सब्सटेंसेस में से HF जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ऐसे इंक्रीज हो रही है। अगर सपोज हम कोई और एग्जांपल अगर इंक्लूड करते हैं, जैसे हमें कोई ये कहता है कि ये आपके पास में जो है एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन के अंदर जो एसिडिक नेचर है वो कंपेयर करो और ये हमारे पास में एक अमाइड है, इस अमाइड की एसिडिक नेचर कंपेयर करो और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी एसिडिक नेचर को कंपेयर करो। तो हम एसिडिक हाइड्रोजन एटम को अगर हाईलाइट करते हैं कि इस हाइड्रोजन को अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूँ, तो देखिए ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, ये यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड है। तो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के मेंबर है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इन ए पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ऐसे ही अगर हम ग्रुप में अगर देखते हैं तो ग्रुप में भी एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा अप टू डाउन। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन अगर हम मूव करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें कि ये हमारे पास में जो है वो एच एफ है, ये जो है वो एच सी एल है, ये एच बी आर है और ये जो है वो एच आई है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करने से एसिडिक नेचर जो है वो इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सपोज अगर हमें कोई ये कहता है कि ये हमारे पास में जो है वो मीथेनॉल है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो थायो मीथेनॉल है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो सल्फर से बॉन्डेड हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो इसका मतलब है ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने से एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। तो हमने अरिनियस कॉन्सेप्ट देख लिया है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देख लिया है। एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो है लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।
तो ये जो लुइस कॉन्सेप्ट होता है, ये कहता है कि एक एसिड जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। जो भी सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एक एसिड होगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन सा होगा, जिसके पास में जो है वैलेंसी होगी, वैकेंस वैलेंस शेल के अंदर वैकेंट वैलेंसी, वैकेंट वैलेंसी या वैलेंस का मतलब हो गया कि वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो वो एक एसिड का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल की तरह अगर हम देखेंगे तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है वो एक लुईस एसिड का काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको कह सकते हैं जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे BF3 को अगर देखेंगे तो बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, AlCl3 को अगर देखेंगे तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, BeF2 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बेरीलियम है उसका जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेज हैं उनको हम लुईस एसिड की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, है ना, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के पास अगर है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आ गया कि उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है वो लुईस बेस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड है और ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं। जितने भी एनायन है जनरली इनके पास में नेगेटिव चार्ज जो होता है उसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास में ऐसे लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हो गया। तो सिंपल सा ये हमने देख लिया, एंड रिमेंबर एसिड एंड बेस कांट एग्जिस्ट टुगेदर। अगर एसिड और बेस अगर है साथ में तो ये कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। एसिड एंड बेस कांट एग्जिस्ट टुगेदर, अगर प्रेजेंट है तो ये कंबाइन कर जाएंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से। तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो ये हमने देख लिया है कि एक एसिडिक सब्सटेंस जो है क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस जो है क्या होता है। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना होता है कि एक सब्सटेंस के सोल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस आयंस। सो ठीक है, सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस आयंस, आयन प्रोड्यूसर जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या आयन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो आयन जो प्रोड्यूस कर सकता है वो बेसिकली एक एसिड है, एसिड आयन प्रोड्यूस कर सकता है H+ आयन। बेस जो होता है पानी में डालते हैं आयन्स प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो सकता है या पार्शली डिसोसिएट हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ सकता है। तो आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे हम पढ़ते हैं कि एक रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट अगर डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करने के लिए,
तो ये जो है कितना है, क्या 50% डिसोसिएट हुआ, 70% डिसोसिएट हुआ, 80% डिसोसिएट हुआ, तो उसके बेसिस में। तो ये जैसे देखो, अगर मैं कोई भी एक यहाँ पे एच ए लेता हूँ, ठीक है, पानी में रखा हुआ है, ये अगर 100% डिसोसिएट अगर हो जाएगा तो एच प्लस प्लस ए माइनस बन जाएगा। तो ये तो 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये इनिशियली अगर मैंने इसका वन मोल लिया है, ये जीरो मोल है, ये जीरो मोल है, अब ये जीरो मोल रह जाएगा, इसका वन मोल बन जाएगा और इसका वन मोल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में लाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं कोई ये एच एक्स लेता हूँ, पानी में डाल दिया, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट भी रहेगा। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप का आ जाएगा बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। तो अब इसका इनिशियली वन लिया है, ये जीरो है और ये जीरो, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इसमें से कुछ अमाउंट इसका ब्रेक होगा। तो इसका जो भी अमाउंट इसमें से ब्रेक होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वन में से जितना भी ब्रेक होगा वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वन गिव्स वन, तो अल्फा गिव्स अल्फा, एन अल्फा गिव्स अल्फा, तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो लेस देन वन होगा, और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अल्फा जो है वो वन होगा। तो अल्फा के बेसिस पे हम बताते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे पास में जो किसी सब्सटेंस की पीएच को मेजर करने के लिए जो पीएच स्केल है वो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीएच स्केल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट होता है इज इक्वल्स टू दी पीएच ऑफ प्योर वाटर। At the given temperature, जिस temperature पर आप pH scale find out करना चाहते हैं, उस temperature पर pure water की जो pH है, वो pH scale का midpoint represent करेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि 27 degree Celsius पर, तो pH of pure water is equals to 7. तो जो हमारी pH scale है, pH of pure water is equals to 7. तो जो pH scale है ये क्या बन जाएगा, पीएच स्केल जो बनेगा हमारा वो 0 to 7 एंड 7 to 14 बन जाएगा। मिड पॉइंट हो गया पीएच स्केल का प्योर वाटर की जो पीएच है वो। अब किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 to 7 के बीच में अगर है तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, और किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 to 14 है तो उसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कह देंगे। तो ऐसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में पीएच स्केल मॉडिफाई हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच है हमारे पास में प्योर वाटर का वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है अभी समझा दूंगा कि वो 6 हो जाता है। तो अब इसका जो पीएच स्केल बनाएंगे हम वो क्या होगा, अब ये 0 to 6 हो जाएगा और 6 to 12 हो जाएगा। तो अब किसी की पीएच अगर 0 to 6 के बीच में अगर है तो वो एसिडिक होगा, और एग्जैक्टली अगर 6 है, 90 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और 6 to 12 के बीच में अगर है तो वो फिर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से हम बता सकते हैं पीएच स्केल का मिड पॉइंट जो है हमारा क्या होगा। तो अब ये हमने मिड पॉइंट कहाँ से कंक्लूड किया, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट है वो प्योर वाटर की पीएच है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो आप लोग जानते हैं कि पीएच किसी सॉल्यूशन का जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दैट सॉल्यूशन होता है। तो प्योर वाटर को अगर देखेंगे तो प्योर वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और सेल्फ आयोनाइज्ड रहता है, ठीक है।
ठीक है, वाटर के अंदर दो OH बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो वो H प्लस आयन डोनर हो जाता है और दूसरा वाला फिर लॉन पेयर कैरी कर रहा है तो वो H प्लस आयन एक्सेप्टर की तरह काम करने लगेगा। तो ये जो है वाटर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो एसिड हो जाएगा, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये मेरे पास में एसिड वन हो गया, ये बेस वन हो गया। तो अब दो प्रोडक्ट जो दूसरी साइड में बन रहे हैं इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस वन, और ये जो होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड वन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एक्चुअल रिएक्शन तो यही होती है और इस रिएक्शन को थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखा जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका जो होता है वो यही होता है कि हम H3O+ के बदले में H+ लिख देते हैं और OH- तो हमारा OH- होता ही है, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इंडिकेट करते हैं कि जो H+ है वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है और ऐसे ही जो OH- माइनस है वो भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है और यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड 4 हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या है। तो जैसे सपोज हमें N की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ दोनों में, तो पहले एक हमारे पास में ये बनेगा H3O+, N की वैल्यू को अगर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली N की वैल्यू को 2 ले लिया हमने तो 4N5H हो गए, ठीक है, और O कितना हो गया, 2 हो गया और उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है वेरियस टाइप की स्पीसीज हो सकती है। इसमें अगर मैं N की वैल्यू को 1 अगर ले लेता हूँ तो ये हमारे पास में H3O2- बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम N की वैल्यू को अगर 2 ले लेते हैं तो H5O3- बन जाएगा। ऐसी ऐसी कई सारी स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब इनिशियली हमने देख लिया कि वाटर के कुछ मोल्स हैं, ठीक है, वाटर की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, अभी ये 0-0 है। अब इसमें से X मोल वाटर के पर लीटर यूटिलाइज हो गए तो उसके X मोल्स बन जाएंगे, इसके भी x मोल्स बन जाएंगे। तो अब इक्विलिब्रियम पे अगर देखेंगे तो ये c माइनस x रहेगा, ये x रहेगा और ये जो है वो भी क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, ये प्लस x हो गया, ये प्लस x हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास में इक्विलिब्रियम पर आ गई। अब इक्विलिब्रियम पे h प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है तो इसका एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट h प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू OH- माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम। तो H2O प्योर लिक्विड है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है और कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको हम जस्ट 1 सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास में एक टर्म बन गई है, इस दो कॉन्स्टेंट टर्म के प्रोडक्ट को एक न्यू टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज KW, एंड के डब्ल्यू इज दी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो के डब्ल्यू जो है ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू जो है वो क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो के डब्ल्यू भी टेम्परेचर के साथ जो होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि के डब्ल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर। H2O के डिसोसिएशन के लिए जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, तो KW increases with increase in temperature।
तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में प्योर वाटर अगर है, तो प्योर वाटर में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि KW जो होगा वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ इस इक्वेशन का दोनों साइड से, तो ये हमारे पास में ऐसे एक टर्म आ जाएगी। अब इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जहाँ पे नेगेटिव लॉग लिखा हुआ है उसको हम एक सिंबल स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2PH हो जाएगा। तो अब pH अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। तो प्योर वाटर की pH जो होती है वो पी के डब्ल्यू की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखते हैं तो जो के डब्ल्यू होता है वाटर का 10^-14 होता है, और 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखते हैं तो वाटर का जो के डब्ल्यू होता है वो 10^-12 होगा। जैसे मैंने बताया था कि इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऐसे हम पीएच निकाल के फिर बता सकते हैं कि हमारे पास में जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये 25-27 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हो कि के डब्ल्यू की वैल्यू जो है 25-27 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इतनी रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन, उसी टाइप से पीओएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो पीएच एंड पीओएच बोथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का जो डिसोसिएशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एच प्लस आइन का अमाउंट और ओ एच माइनस का अमाउंट पर लीटर बढ़ेगा, तो इनका जो नेगेटिव लॉग है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो पी एच एज वेल एज पी ओ एच बोथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ प्योर वाटर। तो ये ऐसे प्योर वाटर की पीएच निकाल सकते हैं, और प्योर वाटर की पीएच निकाल करके हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास में पीएच स्केल की रेंज क्या होगी और एक गिवन सब्सटेंस की नेचर क्या होगी एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर उसका पीएच पता। तो कोई भी अगर कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच जो है वो 7 है 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, के डब्ल्यू फॉर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 10^-12। तो हम जानते हैं कि प्योर वाटर की जो पीएच है वो क्या होगी, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू होगा। तो के डब्ल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे 10^-12 है, तो हाफ पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 6 आएगा। और प्योर वाटर का जो पीएच है किसी गिवन टेम्परेचर पर वो पीएच स्केल का मिड पॉइंट हो गया, तो पीएच स्केल का मिड पॉइंट हमें पता लग गया है। और अब जो सॉल्यूशन गिवन है उसकी पीएच दे रखी है 7 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीएच अगर ग्रेटर देन मिड पॉइंट है तो वो एल्कलाइन नेचर को इंडिकेट करता है, और पीएच अगर लेस देन मिड पॉइंट है तो वो एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमें डिटरमाइन करना है कि कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, तो किसी सब्सटेंस की एक्वस सॉल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो हमारे पास में सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कोई एसिड हो सकता है, ये सब्सटेंस कोई बेस हो सकता है, ये सब्सटेंस जो है वो कोई सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। एसिड जो है वो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या फिर वीक एसिड हो सकता है, जानते हैं ना, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो पार्शली डिसोसिएट होगा वो वीक एसिड होगा। इसी टाइप से जो बेस है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है और वीक बेस हो सकता है। सॉल्ट जो है कई टाइप के हो सकते हैं, जानते हो आप लोग कि सॉल्ट जो है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। ये जो है हमारे पास में सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो सकता है,
ये जो है हमारे पास में सॉल्ट मेटापॉप स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो सकता है, और ये जो है सॉल्ट मेडअप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो सकता है। तो ये इतने टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, या ये सब्सटेंस जो है वो कोई एक मिक्सचर हो सकता है। तो मिक्सचर में एसिड, दो एसिड का मिक्सचर हो सकता है, दो बेस का मिक्सचर हो सकता है, एक एसिड एक बेस का मिक्सचर हो सकता है, सॉल्ट और एसिड का मिक्सचर हो सकता है, सॉल्ट और बेस का मिक्सचर हो सकता है, कैसा भी सब्सटेंस हो सकता है। तो इस सब्सटेंस की पीएच अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में टोटल एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, टोटल एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। टोटल एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो एक तो सब्सटेंस से आने वाला एच प्लस आयन और एक वाटर से आने वाला एच प्लस आयन होगा। सब्सटेंस से कितना एच प्लस आयन आ रहा है और वाटर से कितना एच प्लस आयन आ रहा है ये हमें देखना है। अच्छा जी, अब सब्सटेंस से आने वाले एच प्लस आयन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो सब्सटेंस से आने वाले एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10^-6 मोल्स पर लीटर अगर है तो फिर वाटर से आने वाले एच प्लस आयन को हम इग्नोर कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लेंगे, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, वाटर से आने वाले एच प्लस आयन को हम इग्नोर कर देंगे, इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। लेकिन सब्सटेंस से आने वाले एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम देखते हैं और ये less than 10^-6 मोल्स पर लीटर अगर आती है तो फिर वाटर से आने वाले एच प्लस आयन भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और इसकी एक सर्टेन वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी। तो ये हम लेंगे 10^-7 मोल्स पर लीटर एट 25-27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। अब हमें देखना है कि सब्सटेंस से जो H प्लस आयन है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जो सब्सटेंस है हमारे पास में वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, ये सब्सटेंस अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पास में, तो फिर इस स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला जो H प्लस आयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके इक्वल या फिर इससे ज़्यादा होगी। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मोनो बेसिक एसिड है या डाई बेसिक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास में HCl है, 100% डिसोसिएट होकर के H प्लस HCl माइनस दे रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोल पर लीटर है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने से जो H प्लस आयन बनेगा, जो क्लोराइड आयन बनेगा, वो भी 0.1 मोल्स पर लीटर हो जाएगा। और हमारे पास में H2SO4 अगर है, ठीक है, तो वैसे तो H2SO4 का पहला H प्लस आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि ये दूसरा भी H प्लस आयन इसका बाहर चला जाएगा, तो ये 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप मेरे पास में ये H2SO4 अगर 0.1 मोल्स पर लीटर अगर है, 0.1 मोल पर लीटर है और 100% डिसोसिएट हो गया है, तो फिर तो ये 2 × 0.1 मोल पर लीटर बन जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री कह रही है कि H2SO4 का एक पार्टिकल H प्लस का दो पार्टिकल बनाएगा और ये हमारे पास में 0.1 मोल्स पर लीटर रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे सपोज हमें कोई ये कहता है, ठीक है, फाइन पीएच ऑफ 10^-7 मोल्स पर लीटर HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन की पीएच अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखिए कि हमें ढूंढना होगा कि HCl से आने वाला H प्लस आयन कितना है। तो HCl से आने वाला H प्लस आयन HCl की कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर होगा और वो है 10^-7 मोल्स पर लीटर। और हम यहाँ पे जानते हैं कि HCl से आने वाला जो H प्लस आयन है वो less than 10^-6 मोल्स पर लीटर है, तो इसलिए वाटर से आने वाला जो H प्लस आयन है वो जीरो नहीं लेंगे,
ठीक है, जीरो तो नहीं लेना है इसको हमें, क्या कंसिडर करना है, अप्रॉक्सीमेटली 10^-7 मोल्स पर लीटर ही कंसिडर कर लेना है। तो ये यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम HCl एंड H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, तो इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये 10^-7 प्लस 10^-7, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 10^-7 मोल्स पर लीटर। अब इसका pH निकाल लीजिए, तो pH जो होता है वो जैसे मैंने बताया था नेगेटिव लॉग ऑफ टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहाँ पे जो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 × 10^-7 मोल्स पर लीटर है। तो अब आप pH निकालेंगे तो ये 7 − log 2 कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना, तो ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास में सब्सटेंस जो है वो वीक एसिड है, ऐसी बेस के लिए देख लेना है, बेस से जो है हमारे पास में OH- कॉन्सेंट्रेशन आएगा और OH- कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे आप तो POH हो जाएगा, 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो pH हो जाएगा। ठीक है, तो pH जो होता है वो क्या होता है, 14 − pOH होता है, और pOH जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और टोटल OH- कॉन्सेंट्रेशन देखना है, और ये जो रिलेशन है वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस के लिए अप्लाई करेंगे। तो बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ऐसे ही हमें कंसिडर कर लेना है। नाउ अगर हमारे पास में कोई वीक एसिड अगर है तो क्या करेंगे, वीक एसिड अगर है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन होगा इसका। तो पार्शियल आयोनाइजेशन में जैसे सपोज हमने वीक एसिड का सिंबल ले लिया HA और इसका पार्शियल आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो ये H++A- बन गया, इसकी कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C। तो वीक एसिड से आने वाला जो H+ आयन होगा, बताया था मैंने आपको, है ना, वीक एसिड से आने वाला H+ आयन वीक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम होगा जनरली। ठीक है, उससे कम होता है, ये कोई एक मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, ध्यान रखना, फॉर मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक मतलब एक H+ आयन देने वाला, एक H+ आयन देने वाला है हमारे पास में। तो ये सी हो गया, इनिशियली ये जीरो है, ये जीरो है। अब इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले लेते हैं, जब भी कोई पार्शियली डिसोसिएट होता है तो हमें उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसिडर करना होता है, मतलब ये चेक करना होता है कि एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा। तो ये एच प्लस कितना बनेगा, रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से पता लग जाएगा सी अल्फा, और ये भी क्या आ जाएगा, सी अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे सिस्टमेटिकली देख सकते हो कि भाई वन में से जो है अल्फा लेस हो गया, वन में से अल्फा लेस हो गया तो सी से सी अल्फा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस सी अल्फा हो गया। ठीक है, ये प्लस सी अल्फा हो जाएगा, ये प्लस सी अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रह जाएगा वो सी माइनस सी अल्फा रह जाएगा, है ना, यहाँ सी अल्फा बन गया, यहाँ सी अल्फा बन गया, सी कॉमन ले लेंगे तो ये 1 − अल्फा हो जाएगा। अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, मतलब अल्फा जो होता है वो मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन, तो ये मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन आ जाएगा। तो अब वीक एसिड की बात हो रही है, तो वीक एसिड में अगर हम देखेंगे वीक एसिड की बात हो रही है तो वीक एसिड में अगर हम देखेंगे तो ये जो है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पर किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा वो क्या है, ये के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू
ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है इसको एक न्यू नेम दे देंगे हम और न्यू सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो न्यू सिंबल हो जाएगा ए। ये एक वीक एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ए फोर एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक न्यू नेम आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ए, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा, तो ये सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एच प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, तो एच प्लस आइन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी अल्फा हो जाए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एच प्लस आइन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा अंडर रूट के ए इंटू सी एफ अल्फा, मतलब एफ वन माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन। अदरवाइज तो जो है हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे एच प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, यहाँ से क्वाड्रेटिकली सॉल्व करके बता देंगे। तो ये कब यूज करेंगे, ये हम यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन हम लगा सकते हैं कि इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, इफ अल्फा इज लेस देन 0.1 देन वी विल कंसिडर 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू अंडर रूट के ए इंटू सी हो जाएगी। ये हमने एक यहाँ पे रिलेशन बना लिया है, इस रिलेशन को आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अल्फा हमारा जो है वो लेस देन वन है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी से हम पता कर लेंगे, के ए गिवन होगा, सी गिवन होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल करके चेक कर लेंगे कि अल्फा हमारा लेस देन 0.1 है या नहीं है। तो लेस देन 0.1 अगर नहीं है तो अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होगा। जैसे सपोज कोई कहता है कि हमारे पास में ये 0.1, ये हमारे पास में जो है 10^-6 मोलर एच ए का सोल्यूशन है और इसका जो के ए है वो 10^-5 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 10^-6 मोलर एच ए है और के इसका 10^-5 है, तो अब अल्फा इसका नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो अल्फा जो आएगा वो 10^-5 अपॉन 10^-6 है ना। तो ये तो अगर हम देखेंगे तो जो आ जाएगा हमारे पास में वो रूट 10 आ जाएगा, है ना, और रूट 10 तो 0.1 से छोटा नहीं होगा ना, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये ऐसे हमें जो है कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह गिवन होगी, तो इस वैल्यूज को चेक करके हम बता देंगे कि वैल्यू हमारी क्या आएगी, कि भाई अल्फा हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करना है या नहीं कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अल्फा इज नॉट लेस देन 0.1, हेंस एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट के ए इंटू सी। ये गलत हो जाएगा अगर करेंगे, तो फिर एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे 10^-5 इज इक्वल्स टू, मतलब अब फिर जो एच प्लस आइन हमें कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले से के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा से, मतलब 10^-5 इज इक्वल टू 10^-6 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सॉल्व फॉर अल्फा एंड डिटरमाइन एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन, तो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन फिर आएगा हमारे पास में सी अल्फा के बराबर। ठीक है, सी अल्फा के बराबर, और सी हमारा 10^-6 है,
और फिर जो है हम पीएच निकालेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आइन को यूज करके। अब एक यहां पे कंडीशन और आ जाएगी कि भाई वीक एसिड से आने वाला एच प्लस आइन 10 टू द पावर माइनस 6 से भी तो छोटा होगा, तो फिर वाटर से आने वाले एच प्लस आइन को भी यूज करेंगे, टोटल का नेगेटिव लॉग लेना है। तो ये ऐसे जो है हम किसी वीक एसिड के सोल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास में कोई पॉलीप्रोटिक एसिड अगर है, पॉलीप्रोटिक एसिड के डिसोसिएशन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब पीएच पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसका जो डिसोसिएशन होता है उसी पे क्वेश्चन आता है। जैसे ये H2A है, मतलब ये दो स्टेप में डिसोसिएट होगा, H प्लस होगा और HA माइनस देगा, ये इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो ये HA माइनस बना है इसका फर्दर डिसोसिएशन होगा, तो ये H प्लस प्लस A 2 माइनस बनेगा, तो ये Ka2 हो जाएगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर सपोज इनिशियली मैंने जो है ये 1 लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास में 0 एंड 0 है, इस 1 में से अगर अल्फा ब्रेक हो जाता है तो ये अल्फा आ जाएगा और ये अल्फा आ जाएगा। अब ये जो यहाँ से बना है इसमें से कुछ बीटा जो है यूज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये अगले स्टेप में जाके यूज होगा ना, तो अल्फा माइनस बीटा। तो अब पूरे वेसल में जो रह जाएगा इसका अमाउंट वो अल्फा माइनस बीटा ही रहेगा। सोचो कि एच ए माइनस जो है अल्फा पार्टिकल बने थे और उसमें से बीटा पार्टिकल यूटिलाइज हो गए अगले स्टेप्स के लिए, तो पूरे वेसल में कितने पार्टिकल रह गए, अल्फा माइनस बीटा। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की तरह कंसिडर होंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो स्पीसीज कॉमन होती है उसकी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो अब जो हमारे पास में H प्लस होगा वो अल्फा तो यहाँ पे पहले से ही था और बीटा पार्टिकल इसके और आ गए हैं, तो ये H प्लस बीटा बन गया और ये बीटा बन गया। अब जो यहाँ पे पहले से लग रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का कुछ इफेक्ट होगा, तो एक देखो यहाँ पे कि बीटा जो है वेरी वेरी लेस देन अल्फा। क्यों होगा भाई ऐसा? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पे एक आयन जो है कॉमन है, देखिए ये जो आयन है हमारे पास में वो कॉमन आयन है, इस एसिड के डिसोसिएशन से जो आयन आ रहा है वो आयन पहले से सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो ली शेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक टाइप से प्रोडक्ट का काम कर रहा है, और प्रोडक्ट अगर एडेड है या प्रोडक्ट पहले से प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली अल्फा हो जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली अल्फा हो जाएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली अल्फा हो जाएगा। तो अब Ka1 जो होगा उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच टू ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास में, क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा अप्रॉक्सीमेटली अल्फा ही हो गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। और Ka2 को अगर हम देखेंगे तो ये H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा है और A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, बीटा है, और HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो क्या है, अल्फा है। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल होकर के फाइनली ये क्या रह जाएगा, बीटा ही रह जाएगा। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो हमें पूछा जा सकता है कि पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर जो A2 माइनस टाइप की स्पीसीज है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए कितनी है, एच ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए कितनी है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए, एच टू ए की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए कितनी है। तो ये ऐसे ऐसे वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, इसके अंदर देखो एक तो एच टू ए होगा, ठीक है, एक एच प्लस होगा, फिर और क्या होगा, एच ए माइनस होगा, और क्या होगा,
Na2- होगा। इन सब की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1-α, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अप्रॉक्सीमेटली अल्फा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इस ऑल हमें करनी होती है। तो ऐसे हम पॉलीप्रोटिक एसिड के सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, वेरियस स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच देख लिया, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का पीएच देख लिया, और इसके सोल्यूशन के अंदर अदर सब्सटेंसेस जो है उनको देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा। पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, किसी सॉल्ट के सोल्यूशन की पीएच जो है वो क्या होगी। तो देखिए, एक सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। तो ये सपोज मेरा कोई एसिड है और ये जो है मेरा कोई एक बेस है, COH से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बनेगा, उसको हम Ca कहेंगे, प्लस वाटर। तो एक सॉल्ट के अंदर जो दो आयन होते हैं, एक कैटाइन होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, एनायन होता है। तो देखिए, कैटाइन का जो सोर्स है वो कहाँ से आया है, एक सॉल्ट का कैटाइन कहाँ से आता है, सॉल्ट का जो कैटाइन होता है वो बेस से आता है। और एक सॉल्ट का जो एनायन है वो कहाँ से आता है, इसका क्या सोर्स है, एक सॉल्ट का जो एनायन होता है वो एसिड से आता है। ये जो हमारे पास में बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या फिर वीक बेस हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली सॉल्ट की कैटेगरी हो सकती है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या फिर वीक एसिड हो सकता है। तो हमारे पास में इस सॉल्ट की चार कैटेगरीज हो जाएंगी, ठीक है, सॉल्ट की चार कैटेगरीज हो जाएंगी, ठीक है। सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे NaCl हो गया। दूसरी कैटेगरी को अगर हम देखेंगे, सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो HCl ले लिया, वीक बेस में अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एनायन को देखो और उस पर जितना माइनस है उतने H प्लस लगा दो, पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा पास में जो है वो एसिड है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने NaOH ले लिया तो उसका Na आ जाएगा, और वीक एसिड के लिए लेट से हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया या HNO2 ले लिया, ठीक है। तो अब हम मोस्ट कॉमन जो है हमारा ले लेते हैं सोडियम एसिटेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो कैटेगरी हो गई सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ से एक वीक एसिड चुरा लेते हैं और यहाँ से एक वीक बेस चुरा लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3COONH4। ये इस टाइप से हमारे पास में सॉल्ट बन जाते हैं। अब इन सॉल्ट के सोल्यूशन की नेचर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इस नेचर में जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है उसको देखना है कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है। तो अब इन सॉल्ट सोल्यूशन की नेचर अगर हमें फाइंड आउट करनी है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है वो डिसाइड करता है कि सोल्यूशन की नेचर क्या होगी। तो यहाँ पे तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस टाइप के सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा, रिमेंबर, न्यूट्रल होगा। इस टाइप के सोल्यूशन में जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। और इस टाइप के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जो पीएच होगा, सिंपल सा हाफ पी के डब्ल्यू के बराबर होगा। ये सिंपल सा हम कह सकते हैं कि इस टाइप के सॉल्ट के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। और इस टाइप के सॉल्ट में कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये अभी मैं समझाता हूं कि क्या मतलब हुआ, पहले ये हम सारी टर्म्स लिख लेते हैं।
तो मैंने जैसे कहा था कि एक सॉल्ट के सॉल्यूशन की नेचर अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है उसको देखना है। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है वो कौन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट एसिड है, तो यही डिसाइड करेगा कि इसके सॉल्ट की नेचर क्या होगी। वहाँ दोनों स्ट्रॉन्गर थे तो इसलिए दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं, तो टाई हो गया। ठीक है, एसिड कह रहा है कि एसिडिक होना चाहिए, बेस है बेसिक होना चाहिए, हम कहेंगे झगड़ो मत, न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट आ गया, तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH- की कॉन्सेंट्रेशन से बड़ी हो जाती है, होते दोनों टाइप के आयन्स हैं। ठीक, और इस टाइप के सॉल्यूशन की pH जो होती है वो लेस देन 7 हो जाती है, और इस टाइप के सॉल्यूशन की pH को अगर कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आएगा, ठीक है, हाफ पी के डब्ल्यू, अभी बता देंगे आपको कहाँ से आएगा, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी, जो वीक कंपोनेंट है उसका कांस्टेंट, ठीक है, माइनस हाफ लॉग सी, जो सॉल्ट के अंदर जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, जो आयन वीक से आ रहा है वो हाइड्रोलाइज होगा, जो आयन वीक से आएगा वो हाइड्रोलाइज होगा। तो आप बता सकते हैं कौन सा आयन यहाँ पे वीक से आ रहा है, ये वीक से आ रहा है, तो जो आयन वीक से आता है वो हाइड्रोलाइज होता है, तो यहाँ पे कैटाइन वीक से आ रहा है तो इसलिए कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस हुआ, क्योंकि कोई भी आयन वीक से नहीं आ रहा था। तो ये इस टाइप के सॉल्ट के करेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं। अब तीसरे वाले को देखेंगे, तो अब आप इसमें भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, आप ढूंढिए कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस है, तो ये डिसाइड करेगा सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, तो सोल्यूशन हमारा एल्कलाइन हो जाएगा, जिसको आप बेसिक भी कह सकते हो। अब इस सॉल्यूशन में जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो OH- से कम होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन की pH जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस, और pH निकालना है तो ये हाफ पी के डब्ल्यू, अब सब जगह प्लस आ जाएगा ग्रेटर देन 7 बनानी, और जो वीक वाला है उसका कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप जानते हैं ना कि वीक वाला जो कौन था हमारा, इसमें देखते हैं ये वीक है तो वीक वाले का एक कांस्टेंट होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक वाले का कांस्टेंट क्या होगा, के बी, यहाँ पे वीक वाला है हमारे पास में, इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, के ए। तो ये फॉर्मूले में जब हम इनको डालेंगे तो ये हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, सी जो है कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे कौन सा आयन हाइड्रोलाइज होगा, ये देख लीजिए, जो वीक से आएगा वो हाइड्रोलाइज होगा, वीक से क्या आ रहा है यहाँ पे, एनायन जो है वो वीक से आ रहा है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। फ्रॉम वीक एसिड, तो जो एनायन है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें क्या होगा। और जो फोर्थ कैटेगरी वाला हमारा सॉल्ट है तो उसमें तो अब आप पॉइंट डिसाइड कर सकते हो क्या क्या होगा, किसके अंदर क्या होगा, कि दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे, कोई स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, डिपेंड्स अपॉन के एंड के बी, तो उसमें भी तीन केसेज हो जाएंगे, तो इसका टाइप के सॉल्ट का जो प्रिडिक्शन है वो बड़ा डिफिकल्ट है। बस इस टाइप के सॉल्ट के सॉल्यूशन की पीएच जो है वो क्या होगी उसका फॉर्मूला हम बता सकते हैं। तो पीएच जो होगी वो हाफ पी के डब्ल्यू, ठीक है, माइनस हाफ पी के बी प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ पी के ए के बराबर हो जाएगा। तो ये अब ओवरऑल के ए और के बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होगा या फिर लेस देन 7 होगा। दोनों ही टाइप के आयन हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है, कैटाइनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक एज वेल एज
एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। और जो जितना ज्यादा वीक से आएगा उसका उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जैसे देखो कि ये मेरे पास में कोई एक कैटायन है, ये कैटायन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने लगेगा। वाटर के अंदर आप सोचिए कि H प्लस और OH माइनस रहते हैं, तो ये C प्लस क्या करेगा, वाटर के OH माइनस को पकड़ लेगा, तो ये बन जाएगा COH और OH माइनस बाहर चला जाएगा, सॉरी H प्लस आयन जो है बाहर चला जाएगा। चार्ज बैलेंस रखेंगे, कैटाइन के बदले में कैटाइन ही बनेगा, और ये जो यहाँ पे बन रहा है ये एक वीक बेस होगा, तो वापस से ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। जो स्ट्रॉन्ग से आता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फ्रॉम वीक बेस। तो इसलिए ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग से आता है उसमें ये वापस से टूट करके बन जाएगा वो। अब इस रिएक्शन का जो है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन और C प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो। वाटर तो प्योर लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में। अब इसके इक्विलिब्रियम को हम अदर इलेक्ट्रोलाइट के कांस्टेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये एक मेरे पास में और इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है kW, और ये हमारे पास में एक और इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है kB। तो किसी रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक टाइप का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, वो एक टाइप का क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो बेसिकली ये जो है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है, मतलब सम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, सम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। तो ये दो इक्विलिब्रिया कौन से हैं, देखो एक तो वाटर को ब्रेक कर दो तो H प्लस और OH माइनस बनता है, और दूसरा COH को ब्रेक कर दो तो ये C प्लस एंड OH माइनस बन जाता है। ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो kW है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो kB होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि रिवर्स करके ऐड कर देना, रिवर्स करके ऐड कर देना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये H2O आ जाएगा, ठीक है, और ये C प्लस आ जाएगा और ये हमारे पास में COH आ जाएगा और ये H प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस जब किसी का होगा तो उस कांस्टेंट को नाम दे देंगे KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH की वैल्यू को देखेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो तो kW पे डिपेंड करेगी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स करके ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ रिवर्स करके ऐड कर देना। तो रिवर्स करेंगे किसी रिएक्शन को तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/kB हो जाएगा, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में KH है इसकी वैल्यू को अगर देखेंगे तो वो वैसे जैसे वीक H के वीक एसिड के लिए किया था ना, वैसे इसके लिए भी कर लेना है, बस अल्फा के बदले में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। यार मैं यही तो कह रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इनिशियली 1 लिया था, इसमें से H ब्रेक हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, तो ये CH बन गया और ये भी CH बन गया, बस यही तो है, एक ही चीज है। वीक एसिड से आएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, वीक बेस से आएगा तो अल्फा हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो यहाँ पे
के डब्ल्यू बाई के बी से, और फिर इसको ऐसे ही आप इसके सोल्यूशन में जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, वो सी एच नजर आ रहा है, देखो ये रहा ऊपर आ रहा है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी से, कब, इफ वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, जैसे पहले किया था उसी टाइप से ऐसे ही करना है, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके ही बताना है। तो ये ऐसे हम एनाइन कैटाइन का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसके सॉल्यूशन में एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल है या उससे बड़ी है तो वाटर वाले OH- माइनस को इग्नोर कर देंगे और इसी का नेगेटिव लॉग ले लेंगे और पीएच निकाल लेंगे। ऐसी अगर सपोज हमारे पास में एनाइन है उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ये सॉल्ट हो गया, यहाँ पे ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ले लिया मैंने, अब मैं ले लेता हूं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस ऐसे ही होगा हमारा, इसी टाइप से होगा कि ये कोई ए माइनस है, ठीक है वाटर में गया, वाटर का एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और ओ एच माइनस बन जाएगा, तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। तो अब इसका जो है कुछ इसकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होगी, ये सी है ना, एच इसमें से डिसोसिएट हो गया था, सी इंटू वन माइनस एच हो जाएगा, ये सी एच हो जाएगा, ये सी एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस पे डिपेंड करेगी। जैसे पहले भी बताया था कि ये जो है वो क्या होगा, एक वीक एसिड होगा, इस वीक एसिड का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा के ए, और ये एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो है ही है तो ये के डब्ल्यू हो गया। तो इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो इसका ये दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का एक इक्विलिब्रियम है। तो आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो जो रिएक्टेंट साइड में वो तो रिएक्टेंट साइड में ही रहेगा और जो प्रोडक्ट साइड में उसका रेसिप्रोकल ले लेना है तो ये यहाँ पे और ऐड कर देना है, रिएक्शन को उल्टा करना है, कहने का मतलब ये है। तो ये आ जाएगा, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आपके पास में जो है के एच की वैल्यू आ जाएगी, तो के एच जो होगा वो सी एच स्क्वायर बाई वन माइनस एच हो जाएगा। अब इससे ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर सकते हो, तो ओ एच माइनस जो होगा वो सी एच के बराबर होगा और सी एच की वैल्यू जो है वो के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी हो जाएगा, लेकिन कब, इफ वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली वन, वही कंडीशन है जो हमने पहले कंडीशन बना रखी थी। तो ये ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अब इसमें एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है तो ये के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन से निकल जाएगा, ठीक है। ये कहां से आ गया, रिमेंबर इन ऑल सॉल्यूशन इन ऑल एक्वा सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू, That is equals to Kw. तो ये इस टाइप से जो है हमारे पास में एक एनाइन का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो उसके सोल्यूशन में जो ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एच प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इस टाइप से जो वेरियस फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं उनमें सब्सिट्यूट करके आप पी एच निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमें कोई ये कहता है कि एक हमारे पास में क्वेश्चन है कि ये हमारे पास में कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के ए ऑफ वीक एसिड इज 1 × 10⁻¹⁰ तो ये कोई भी एक वीक एसिड ले लिया हमने एच ए, इसकी किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, लेट्स से NaOH ले लिया, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये कहना चाह रहा है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा Na प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में चेक कर लो आपके पास में क्या क्या है। तो हमारे पास में इस रिएक्शन के अंदर एक तो ये जो है Ha है, तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो इसका एक कांस्टेंट होगा Ka, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ये एक सॉल्ट है, इसका भी कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका एक कांस्टेंट होगा Kw। तो अब जो स्ट्रॉन्ग है उनको कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में रख लेते हैं, तो कहना का मतलब ये है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये NaOH का कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। Na का कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। H2O का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उसको रहने देते हैं। तो अब ये Na+ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो Ha+OH- gives A- + H2O। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर एक ये इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka, एक ये इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kw। तो इसका मतलब है ये भी बेसिकली क्या हो गया, दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एडिशन हो गया, एक Ha के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है और दूसरा H2O के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा वो क्या होगा, Ka तो Ka ही रहेगा और 1/ रिवर्स करेंगे वाटर का तो Kw आ जाएगा। तो ये 1 × 10⁻¹⁰ हो गया और ये 1 × 10⁻¹⁴ हो गया, तो ये 10⁴ रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन होती है, और केमिकल इक्विलिब्रियम याद है ना, बताया था मैंने कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10³ से ज़्यादा होता है तो उसमें प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में बनेगा। तो ये ऐसे इस टाइप से हम सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर देखो कि अगर हमारे पास में कोई बफर सॉल्यूशन अगर है, तो इसका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज रेजिस्ट करने वाला सॉल्यूशन, रेजिस्ट चेंज इन पीएच। अभी पीएच में चेंज कब रेजिस्ट करेगा, ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑन डाइल्यूशन एंड ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वीक बेस ऐड करने से तो कोई बहुत ज्यादा चेंज होता भी नहीं है पीएच में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है पीएच में। लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अपनी पीएच में जो चेंज होने जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करने से उसको रेजिस्ट करेंगे, पीएच में चेंज नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि चेंज बिल्कुल नहीं होगा, स्मॉल चेंज होगा, अनएक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है वो बेसिकली दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं,
ठीक है, ये जो दो टाइप है उसमें से एक हमारे पास में होगा एसिडिक बफर, और दूसरा जो टाइप है उसको हम कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेसिकली एक मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स अ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड ले लेते हैं और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट ले लेते हैं और इसका मिक्सचर बना देते हैं। तो वीक एसिड मैंने सेट से एसिटिक एसिड ले लिया और इसका सॉल्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम एसिटेट, इन दोनों का मिक्सचर बना दिया। ये मिक्सचर जो हो गया हमारे पास में एसिडिक बफर हो गया मिक्सचर। बेसिक बफर क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस नेचर बदल जाएगी वीक वाले की। मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब यहां पे जो है हम क्या करते हैं, वेल नॉन वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक बेसिक बफर बन गया। तो एक वीक कंपोनेंट होता है और एक सॉल्ट होता है, क्योंकि हम बफर के अंदर एसिड डालेंगे, बफर के अंदर हम बेस डालेंगे, तो एक होगा जो एसिड को डाइजेस्ट कर जाएगा, दूसरा होगा जो बेस को डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में पीएच में इनसिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व होगा। अब बफर का पीएच कैसे फाइंड आउट करना है? पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर के अंदर जो पीएच होगा वो एच ए जो वीक एसिड होगा उसकी वजह से होगा, तो वो डिसोसिएट होकर एच प्लस देगा और ये ए माइनस आ जाएगा। तो अब हमने कोई एक एसिडिक बफर लिया सपोज, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास में वो ए मोलर ऑफ एच ए है। ठीक है, हम जो हमारा जो एग्जाम्पल है वही ले लेते हैं, नए नए सिंबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया है और सोडियम एसिटेट लिया है, एसिटिक एसिड लिया और सोडियम एसिटेट लिया। ये जो है हमारे पास में C1 मोल पर लीटर है और ये जो है वो C2 मोल्स पर लीटर है। तो अब इसका जो पीएच होगा वो इस वीक एसिड की वजह से होगा। उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये ऑलरेडी इस सॉल्ट से आएगा, क्योंकि ये सॉल्ट तो डिसोसिएट होगा कंप्लीटली। तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्ट की है वही कॉन्सेंट्रेशन इससे आने वाले N9 की भी हो जाएगी, है ना। और ये अभी नहीं ब्रेक हुआ, आया नहीं है, जीरो है। अब इसमें से अगर मैं कहता हूं कि ये X डिसोसिएट हो जाएगा तो ये प्लस X हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ये सॉल्ट हमारा पहले से रखा हुआ है। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के समय में कोई सॉल्ट अगर पहले से रखा रहेगा तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये पहले से रखा हुआ है और इसका एक आयन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आयन के साथ कॉमन है, तो वो प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकता है, ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली C2 हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली C1 हो जाएगा। अब इसका एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा Ka और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH,
इसको आप H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर लीजिए, इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर लीजिए और pH निकाल लीजिए, ठीक है। तो H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एसिडिक बफर के लिए जो pH होता है वो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ, pH इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन ये हम कहाँ से ले रहे हैं, सिर्फ सॉल्ट से ले रहे हैं, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो इन जनरल अगर मैं कहना चाहता हूँ तो ये pH इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन सॉल्ट से आने वाला कॉन्जुगेट बेस ही लेना होगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो यहां पे जो है हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कैसे जो है बफर वगैरह क्या है। तो ब्लड जो है वो एक एसिडिक बफर होता है, ब्लड की पीएच में इनसिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, ब्लड के अंदर जो भी वेरियस टाइप की रिएक्शंस होती है उनको कराने के लिए एक मॉडरेट कांस्टेंट पीएच का मीडियम चाहिए होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो भी हो रही है। तो ब्लड एक एसिडिक बफर है और इस एसिडिक बफर का कंपोजिशन जो है वो NaHCO3 एंड Na2CO3 की वजह से हो रहा है। अब NaHCO3 के अंदर Na प्लस और HCO3 माइनस होगा, तो ये जो HCO3 माइनस है वो यहाँ पे एक वीक एसिड का काम कर रहा है, वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ये जो हमारे पास में Na2CO3 है, Na2CO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो इससे CO3 2- आएगा, तो ये इसका जो है वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया सॉल्ट की फॉर्म में। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो इसलिए ये एक बफर का काम कर रहा है। दूसरा यहां पे देखो कि अगर मेरे पास में मिक्सचर ऑफ CH3COONa एंड HCl (2:1) मोलर रेशियो ऑल्सो एक्ट्स एज एसिडिक बफर। देखो ये सब चीजें आपको अब कंसेप्चुअली देखना होगा, डायरेक्ट डेफिनेशन तो बता दिया मैंने, ये सब क्वेश्चन है कैसे पता लगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड HCl (2:1) मोलर रेशियो एसिडिक बफर की तरह काम करेगा, कैसे करेगा। तो देखिए ये है हमारे पास में सोडियम एसिटेट और ये है HCl, दोनों को मिला दिया, एक मिक्सचर बनाया, तो आपको चेक करना होगा कि इनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो HCl जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है वो सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, सॉरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड can displace weak acid from the salt. तो एक रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो जब भी दो substances को mix करते हैं हमेशा check कर लेना है कि इनके बीच में कोई reaction होगी या नहीं होगी। तो ये acetic acid बनेगा और NaCl बनेगा। तो initially जो है हमारे पास में क्या है, at the moment of mixing 2 moles इसके हैं और 1 mole इसका है, ठीक है इनिशियली। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और जो रिएक्ट करेंगे
कांट एग्जिस्ट टुगेदर। तो अब यहां से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन बचेगा, ये वन बन जाएगा और ये वन बन जाएगा। ये पहले जीरो था, ये पहले जीरो था, ये हमारे पास में रिजल्टिंग मिक्सचर है। रिजल्टिंग मिक्सचर में चेक करिए क्या है, रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर एक वीक एसिड है। रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बस यही तो चाहिए बफर होने के लिए, और क्या चाहिए बफर होने के लिए, क्या चाहिए होता है, एक वीक एसिड चाहिए होता है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट चाहिए होता है। तो हमने इन दोनों को मिलाया, एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन का रिजल्ट हो गया ये। ऐसे बोरिक्स का जो सोल्यूशन होता है वो एक एसिडिक बफर होता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बफर जो है क्या होता है। तो ऐसे ही बेसिक बफर ले सकते हैं आप, डायरेक्टली मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, पीएच ऑफ बेसिक बफर, बेसिक बफर के अंदर जो एग्जांपल है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड की तरह लेना होगा आपको, बिल्कुल जैसे हमने एसिड के लिए किया था वैसे ही करना है आपको, है ना। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ब्रेक कर देंगे, अमोनिया अमोनियम आयन और OH माइनस आयन बनेगा, और ऐसे ऐसे करके फिर आप यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kb, तो Kb की जो वैल्यू है वो NH4 आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इसको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर लॉग की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग, वही आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन सिर्फ सॉल्ट से लेंगे, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ये ऐसे इस टाइप से POH आ गया। अब इसका बेसिक बफर का pH निकालना है, तो pH जो होता है वो 14 माइनस POH हो जाएगा। मान के चल रहे हैं कि सारा कैलकुलेशन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होगा। तो ये ऐसे हमने जो है एक बेसिक बफर सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट कर ली। तो ये सारे जो है काम होते हैं, ऐसे आप किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली यही सब चीजें होती है। अब देखिए, अगर हमारे पास में कोई सॉल्ट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड मिल सकता है। ये मेरे पास में कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस सॉल्ट को हमने वाटर में डाला, तो सबसे पहले तो ये एक्वस फेज में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से एक्वस में। तो इस स्टेप को हम कह देंगे डिसॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टेप जो है वो सॉल्ट डिसॉल्यूशन हो गया। अब जो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है वो रिवर्सिबली डिसोसिएट हो जाएगा। तो x मोल्स ऑफ कैटायन ए वाई प्लस एन वाई मोल्स ऑफ एनायन बी एक्स माइनस बन जाएगा। इसको हम कहेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। इन दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जितना भी सॉल्ट डिसॉल्व होगा वो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। ये सारा डिसोसिएट हो चुका है, जितना डिसॉल्व हुआ वो सारा का सारा डिसोसिएट हो चुका है। तो अब जो रिएक्शन नेट बनेगी वो अनडिसॉल्व्ड और अनडिसोसिएटेड सॉल्ट, डिसॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा।
इसको कहेंगे सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब इनिशियली अगर हमने सपोज इसके ए मोल्स पर लीटर अगर ले लिए हैं तो ये जीरो और जीरो है, पहले से तो कुछ है नहीं पानी के अंदर। और इसमें से अगर इसके एस मोल्स पर लीटर अगर डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है, मतलब माइनस एस मोल हो गया इसमें से, तो ये प्लस एक्स एस हो जाएगा, ये प्लस वाई एस हो जाएगा, ये जो रह गया है वो ए माइनस एस मोल रह गया है, ये ओवरऑल एक्स एस मोल हो गए हैं और ये वाई एस मोल हो जाएंगे। इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसको कहेंगे के एस पी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कैटाइन टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एनायन टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है और इनकी जो सॉलिबिलिटीज है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें एक रिलेशन नजर आ रहा है आपको। देखो कि ये हम जो है यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस y। ये एक हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब जैसे सपोज कोई हमारे पास में सॉल्ट है, ठीक है, AgCl टाइप का, तो इसके लिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी और Ksp का जो एक्सप्रेशन है वो s स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है उसका रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट। अगर PbCl2 टाइप का है तो x तो 1 ही है और y जो है वो 2 है, तो इसके Ksp का जो एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 1 बट 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा और s टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब s की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये आप जानते हैं Ksp अपॉन 4 होल टू द पावर 1/3 करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट को यूज करके सॉलिबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू 1 होगा और y इक्वल्स टू 2 होगा। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये स्पेशल टाइप का सॉल्ट है, स्पेशल टाइप का सॉल्ट है। इसका डिसोसिएशन मर्क्यूरस क्लोराइड टाइप का है ये। तो जो कैटाइन बनता है वो Hg2+ टाइप का होता है, डाई एटॉमिक कैटाइन है। जनरली मेटलिक कैटाइन जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो होगा वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। तो ये इस टाइप से हमारे पास में जो है y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो ऐसे चेक करके देखना है। तो यहाँ पे भी इसका भी एक्सप्रेशन ऐसे ही होगा, जिस टाइप से ये है और s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी सॉलिबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक और जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, ये बेरियम फॉस्फेट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनेगा Ksp का। तो Ksp का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू एस टू द पावर 5 बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें Ksp का एक्सप्रेशन सॉलिबिलिटी की टर्म्स में फाइंड आउट करना है या सॉलिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Ksp गिवन है। अब अगर हम देखते हैं कि एक सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी है वो डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या होगी, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को अगर हमें देखना है तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे AgCl हमने ले लिया, ठीक है, इस AgCl को प्योर वाटर में डाल रहे हैं, इस AgCl को हम NaCl के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं,
तो ये 0.1 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, ये प्योर वाटर है। इस AgCl को 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं और इस AgCl को हम 1 मोलर अमोनिया के सोल्यूशन में ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका जो KSP है वो 1 × 10⁻¹⁰ है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि किसके अंदर कॉमन आयन है या नहीं है, किसी के अंदर कॉमन आयन है या नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले तो देखिए कि ये हमें इस सॉल्ट का आयन और इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आयन कॉमन है। यहां पे अगर देखेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो एक आयन है और इस सॉल्ट के अंदर जो एक आयन है वो कॉमन है। तो कहीं पे भी अगर कॉमन आयन होगा तो हमेशा सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रख लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। ली शेटलर प्रिंसिपल कि जो भी करेंगे उसका उल्टा होगा, तो पहले से हमने एक प्रोडक्ट रख दिया है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे अमोनिया जो है हमारा वो एक लुईस बेस है और Ag+ जो है वो लुईस एसिड है। ट्रांजिशन मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इनवैलेंशियल वैलेंस वैकेंसी कह सकते हैं इसको हम। सो एसिड एंड बेस कांट एग्जिस्ट टुगेदर, जिसका मतलब AgCl जो है वो NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। AgCl जो है वो NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये सॉलिड AgCl NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर Ag+ छुपा हुआ है, तो वो जो Ag+ इसको लुईस एसिड की तरह बिहेव करा रहा है और ये जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक रिएक्शन होने लगेगी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है लुईस एसिड बेस रिएक्शन से, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मूला इस टाइप का हो जाएगा। तो ये एक कैटायनिक स्पीसीज बन जाएगी और ये एनायनिक स्पीसीज बन जाएगी। एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब रिएक्शन होने लगेगी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। तो ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट increases solubility of salt, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस जो है solubility equilibrium को forward direction में pull करेंगे, तो increases solubility of salt। तो यहां पे अगर हम सभी केसेस में solubility का order अगर देखेंगे तो order of solubility जो है वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ
सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा जो होगा वो 1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है वो प्योर वाटर में आएगा, और उसके बाद में उनमें आएंगे जिसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट में जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और फिर जो होगा वो 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ये हो जाएगा, 1 मोलर अमोनिया इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, दैट इज ग्रेटर देन इन 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज ग्रेटर देन इन 0.1 मोलर NaCl। तो ये ऐसे एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। अब इसी टाइप से अगर हमें कोई ये कहता है कि कोई एक सॉल्ट है तो उसका प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, हम कैसे चेक करेंगे कि एक सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ही कंडीशन है कि सबसे पहले देखिए कि हम निकालते हैं KSP ऑफ सॉल्ट, ठीक है। KSP ऑफ सॉल्ट हो गया तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होगा, कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं, सपोज वी वांट टू स्टडी द प्रेसिपिटेशन AgCl, क्या किया कि हमने ये एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन, और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं जो कि एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है। तो ये जो है हमारे पास में क्या होगा कि Ag+ और Cl- कंबाइन करेंगे और AgCl बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। तो जो हमारे पास में रिएक्शन होती है किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए या उसके डिसॉल्यूशन के लिए, तो ये कैसा रिलेशन होता है, तो ये जो हमारे पास में यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो टर्म है, इस राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको हम कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, ऑफ सॉल्ट, मतलब एक टाइप का ये क्यू है, और ये हमारे पास में जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो एक टाइप का ये के इक्विलिब्रियम है और वो क्यू है। तो किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है तो इसका मतलब इस रिएक्शन को तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है, ये जो भी हमने लिखा है Ag+ Cl-, इसको मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, यही करना है ना, Ag+ Cl- शुड मूव टुवर्ड्स AgCl, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कंडीशन जानते हैं ना क्या होता है, तो यहां पे हम ये कहेंगे कि फॉर प्रेसिपिटेशन एक सॉल्ट का जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। जब आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ी होगी तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, और इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। अब IP is greater than KSP, तो IP को KSP के इक्वल होने के लिए IP की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो IP कब डिक्रीज होगा, जब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कम होगा, ये कब होगा, जब आयंस का कंजम्पशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए IP should be greater than KSP, तो कोई भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर इसका उल्टा कर लेते हैं
तो आई पी इज लेस देन केस पी, तो इसका मतलब है कि अभी तो डिसोल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, आइंस तो सोल्यूशन में डिजोल्व रहेंगे, प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते हैं. तो अगर सपोज हमें कोई ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर NaCl एंड 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर AgNO3 आर मिक्स्ड, ठीक है, इफ Ksp ऑफ AgCl इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, देन फाइंड प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल टेक्स प्लेस और नॉट, देन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl इज पॉसिबल और नॉट. तो ये इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि उनके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो वॉल्यूम में चेंज आने से इक्वल वॉल्यूम लिया आपने, दोनों को मिला दिया है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. जैसे ये हमने वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर क्या है, इस वेसल के अंदर NaCl है, ठीक है. ये दूसरा वेसल ले लिया हमने, इस वेसल के अंदर क्या है, इस वेसल के अंदर सिल्वर नाइट्रेट है. दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लिया है तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो डबल हो जाएगा. ये 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर है और ये 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है. तो वॉल्यूम जब आप डबल कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इनकी हाफ हो जाएगी. तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl होगा वो 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर का हाफ हो जाएगा. वॉल्यूम डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है. इस सॉल्यूशन में जो सिल्वर नाइट्रेट होगा वो 10 टू द पावर माइनस 6 का हाफ हो जाएगा. अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वली होगी. कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली तो है ही नहीं, सॉल्यूशन ही दिया हुआ है. और यहाँ पे जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 टू दी पावर माइनस 6 बाय 2 हो जाएगी. अब हम निकाल लेते हैं कि यहां पे IP की वैल्यू क्या होगी. तो IP जो है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर है. तो 10 टू दी पावर माइनस 3 बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाय 2. तो ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है 10 टू दी पावर माइनस 9 बाय 4 आ रहा है. 10 टू द पावर माइनस 9 बाय 4 आ रहा है. और Ksp जो है गिवन है, आप कंपेयर करके देख लीजिए कि ये जो है हमारे पास में IP की वैल्यू Ksp से बड़ा है या नहीं है. तो IP जो है आ गया हमारे पास में 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और Ksp जो है गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये रहा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. तो कंक्लूजन ये है कि एज आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी एज प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl टेक्स प्लेस. तो ये इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं किसका प्रेसिपिटेशन होगा और किसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो ये सिंपल सी जो है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में, अब इसके अंदर जो एसिड बेस टाइट्रेशन जो आप लैब वर्क करते हो, ठीक है, इस चैप्टर से कुछ लैब वर्क भी एसोसिएटेड है. तो एनसीईआरटी का एक लैब मैनुअल होता है, उसको आप रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसमें एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह देखेंगे क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड जो कर्व होते हैं उनका शेप कैसा होता है, ये इस पे भी क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं. तो ये लैब मैनुअल के अंदर है, तो लैब वर्क आपने किया होगा तो वो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप उनको वहां से रिवाइज करिएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन.
ठीक है, एंड जी एडवांस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार।